वालेकुम वालेकुम सलाम सर, क्या हाल? वालेकुम सलाम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक है सब लोग? ठीक ठाक आप? शुक्र है सर। लास्ट क्लास में कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? सिक्स चैप्टर स्टार्ट करना था सर। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना था ना? यस। ये हमने शुरू तो नहीं किया था ना, बस हमने स्टार्ट से ही करना है। ये बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया था, अभी स्टार्ट करना है सर। अच्छा जी, तो ये जो चैप्टर है डीप लर्निंग फॉर टेक्स्ट एंड सीक्वेंसेस, तो किसी को आइडिया है कि किसको कह रहे हैं टेक्स्ट और सीक्वेंसेस? मे बी वीडियो को, राइटिंग को, लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यस सर। वो तो हमें टेक्स्ट समझ में आता है कि चलो टेक्स्ट है, रिटन टेक्स्ट है, उसको कह सकते हैं किसी लैंग्वेज में लिखा होगा। ठीक है, इस सीक्वेंस से क्या मतलब? बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस जो होते हैं हमारे पास, बायोलॉजिकल सीक्वेंस वगैरह। लॉजिकल सीक्वेंस, टाइम सीरीज सर। बायोलॉजिकल सीक्वेंस सर, जैसे कि डीएनए के सीक्वेंस हो जाते हैं, आरएनए, टाइम सीरीज, टाइम सीरीज। हां, टाइम सीरीज का नाम लिया है। तो जितना भी डेटा जो है वो टाइम स्टैम्प्स का होता है कि वो आमतौर पे जो है वो सीक्वेंसेस कहलाता है। टेक्स्ट में भी सीक्वेंसेस होते हैं और उसी बेस पे काम करता है। तो अभी इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। तो टेक्स्ट और सीक्वेंस जो है ना, वो एक इस वक्त जो सबसे ज्यादा डाटा दुनिया में मौजूद है वो टेक्स्ट में ही मौजूद है। ठीक है ना, जिसमें बहुत ज्यादा जो है ना, इस ग्राउंड बहुत ज्यादा है कि आप मल्टीपल जो है ना प्रोडक्ट्स के बारे में और चीजों के बारे में जो है वो सोच सकते हैं, कोई काम जो है वो आप कर सकते हैं। जिस डायमेंशन में भी सोचेंगे उस डायमेंशन में आप जा सकते हैं। वैसे तो हर फील्ड के अंदर ही ओपन है अभी, लेकिन टेक्स्ट में जो है ना वो बहुत ज्यादा है। अच्छा, हम लोग जो है ना वो ज्यादातर प्लान करते हैं कि हम कोई ऐसी प्रोडक्ट बना लें, कोई बहुत बड़ी प्रोडक्ट बना लें और ये कर लें और वो कर लें। अगर आप छोटे छोटे फीचर्स भी मशीन लर्निंग बेस्ड और डीप लर्निंग बेस्ड छोटे छोटे फीचर्स भी बना लेंगे, जैसे एड ऑन्स के तौर पर, जैसे आमतौर पर हम एक्सटेंशन इस्तेमाल करते हैं ब्राउजर में और एड ऑन्स लगाते हैं, उस तरह के फीचर्स भी जो है वो बनाए जा सकते हैं। जैसे भी आजकल मेरे पास एक ऐड आ रहा होता है ग्रामरली का, जो आपकी ग्रामर जो है ना वो ठीक करता है और उसके अंदर जो है ना वो करेक्ट वर्ड्स जो है ना सजेस्ट करता है, सेंटेंस को जो है वो स्ट्रक्चर को छोटा कर देता है। ठीक है, तो ये फीचर है जो आप एड ऑन के तौर पे, एक्सटेंशन के तौर पे जो है ब्राउजर में ऐड कर लेते हैं, वो काम कर रहा होता है, आपको सजेस्ट कर रहा होता है। तो उस तरह छोटे छोटे फीचर्स पे भी जो है वो वर्किंग हो सकती है। छोटा फीचर ये भी नहीं है, लेकिन वो हमारे दिमाग में जो एक होता है कि यार हमें कोई बहुत बड़ी जो है ना प्रोडक्ट बनानी है, तो बड़े पे जाते हैं छोटे छोटे से गुजरते हुए, पहले किसी छोटे आइडिया के बारे में सोचे, उस पर काम करें। तो यहाँ जिस तरह इन्होंने कहा कि भाई बॉस व्हाट्सएप कर दूंगा, काइंडली चेक कर देंगे आप मेरे? कौन सी वाली सर? आपको मैं एक ना वो मॉडल मैंने ट्रेन किया हुआ था, उसका मैं आपको कोलैब का लिंक किया, वैसे ही मॉडल का ना कोड सेंड कर दूंगा, काइंडली चेक कर देंगे आप? हाँ, मुझे भेज दीजिएगा, मुझे भेज दीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, तो
अब ये जो इसके अंदर हमने इस्तेमाल करने वाले हैं टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए, सबसे पहले तो जो है वो आरएनएन इस्तेमाल करेंगे और 1D कन्वोल्यूशनल नेटवर्क। हमने कन्वोल्यूशनल 2D तो जो है ना वो पढ़ा है इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, कन्वोल्यूशनल 1D जो है ना वो टेक्स्ट प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होगा। फिर आरएनएन के भी जो है ना वो मजीद जो है ना वो ग्रुप्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं वो हम पढ़ेंगे। क्या क्या हो सकता है अभी जितनी इम्प्लीमेंटेशन इस किताब में लिखी हुई है उससे कहीं ज्यादा जो है ना वो आगे बढ़ चुका है इम्प्लीमेंटेशन की मद में, क्योंकि किताब थोड़ी नया वर्जन आने तक। एक मिनट में चेक कर लूं इसका वर्जन कौन सा है ताकि हम जो है, मेरे पास एक और भी है लेकिन मालूम नहीं है वो वर्जन कौन सा है। सर सेकंड एडिशन इसकी आ रही है सितंबर में, इसकी सेकंड एडिशन सितंबर में कंप्लीट होगी सर। अच्छा चल, एक देख रहा था मैं ये वाली बुक वो जरा मुझे डिफरेंट लग रही थी, मुझे लगा कि इसका शायद वर्जन आ गया है। यार अभी थोड़ा फ्री होते हैं तो मैं उसको निकालता हूँ, कोड्स भी कुछ थोड़े चेंज हुए हुए थे। अच्छा तो डॉक्यूमेंट क्लासिफिकेशन, टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है टॉपिक वन आर्टिकल ऑथर ऑफ द बुक, ये आप जो है ना ट्रेन कर सकते हैं मॉडल पर को कि वो इस किताब का टाइटल क्या होगा, इस किताब का राइटर कौन हो सकता है, राइटिंग स्टाइल प्रेडिक्ट करके वो गैस करता है। फिर टाइम सीरीज कंपैरिजन में है कि किस तरह दो डॉक्यूमेंट्स या दो स्टॉक टिकर्स जो हैं वो आपस में रिलेटेड हैं, कितने रिलेटेड हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस तो हमने पहले भी किया हुआ है, सीक्वेंस टू सीक्वेंस लर्निंग, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, ठीक है। टाइम सीरीज फॉरकास्टिंग, डिमांड फॉरकास्टिंग वगैरह इसके अंदर सारी चीजें आती हैं। वेदर प्रेडिक्शन आता है, स्टॉक प्राइस प्रेडिक्शन आती है, तो हर वो तमाम डेटा जो टाइम बेस्ड होता है वो प्रोसेस जो है वो होता है। तो वर्किंग विद टेक्स्ट, तो टेक्स्ट चूंकि मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉर्म ऑफ सीक्वेंस डेटा, ठीक है। सीक्वेंस डेटा क्यों है, क्योंकि जो भी वर्ड के बाद वर्ड आ रहे हैं वो एक ग्रामेटिकल सीक्वेंस के अंदर हमारे पास जो है वो लिखे हुए होते हैं। टेक्स्ट में जब हम काम करते हैं, मैं जरा थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ये थोड़ी सी आप जो है ना इसको स्टडी कर लीजिएगा, आम सी बातें लिखी हैं, कोई जहां पर इम्पोर्टेंट बात होगी मैं उस पर अगर आपको जरूर हाईलाइट करके जो है ना वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो लाइक अदर डीप न्यूरल नेटवर्क डीप लर्निंग मॉडल्स डोंट टेक इनपुट एज रॉ टेक्स्ट, ये बात हमें मालूम है कि डीप लर्निंग के जो मॉडल्स हैं, जो न्यूरल नेटवर्क है वो इनपुट होता है उसका ना इमेज होती है ना टेक्स्ट होता है, सब कुछ जो है वो पिक्सल्स और न्यूमेरिक टेंसर्स के अंदर जो है वो काम करता है। तो हमें सारे डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। लास्ट टाइम जब हमने एग्जाम्पल अपना किया था सेंटिमेंट एनालिसिस का, मूवी रिव्यूज का, और उसके अलावा हमने एक एग्जाम्पल किया था दैट वाज न्यूज वायर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो वहां पर हमारे पास जो डेटा हमें रिसीव हो रहा था लोड करने पर, वो डेटा जो है वो ऑलरेडी न्यूमेरिक टेंसर्स में बना हुआ था। सबको याद है ये बात? यस सर। यहाँ अब हम करेंगे जो काम वो हमने खुद मैन्युअली जो है अपने डेटा को
फैक्टराइज करना है, प्रोसेस करना है। तो न्यूमेरिक टेंसर में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है दैट इज वेक्टराइजिंग कहलाता है या वेक्टराइजेशन कहलाता है। तो वेक्टराइजिंग टेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स्ट इनटू न्यूमेरिक टेंसर। अब वेक्टराइज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ बहुत सारे ऑब्सोलीट हो चुके हैं, यहाँ पर चंद एक लिखे, इनमें से भी जो है वो लास्ट वन जो है वो अब इस्तेमाल नहीं होता है। कि दिस कैन बी डन मल्टीपल वेज, सेगमेंट टेक्स्ट इनटू वर्ड्स। कि जब हम वेक्टराइज कर रहे होते हैं, किसी को आइडिया व्हाट इज, व्हाट डस ये वेक्टराइज टर्म का मतलब क्या है, या वेक्टराइजेशन का मतलब क्या है? जी टेंसर बना लेते हैं सर, टेंसर बना के ठीक है, मतलब क्या करते होंगे वेक्टराइजेशन, वेक्टर हमने पढ़ा हुआ है, क्या मतलब है इसका, क्या कर रहे होंगे? वो वन हॉट एन्कोडिंग वाली बात तो नहीं? जी वही है, नॉर्मलाइजेशन का काइंड ऑफ वही है सर। हाँ नहीं, काइंड ऑफ नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही है ठीक है। लेकिन वन हॉट इंक्लूड करने से पहले जी, सर इसको सिंगल आपकी आवाज थोड़ी, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है, मुझे समझ में आ रहा है कुछ 01 बोल रहे हैं, तो मुझे इससे अंदाजा हो रहा है कुछ सही जगह पहुंच रहे हैं। अच्छा सिंगल डायमेंशन में लाने के लिए 01 में उसको सर करते हैं ऐसे। हाँ ठीक है, ठीक है। अभी तक जो इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर लेकर आपको आना चाह रहा था, सवाल पूछकर थोड़ा मैं जरा आपकी जो माइंड है उसको जरा एक तरफ लाना चाह रहा हूँ, ताकि थोड़ा डिबेट हो सके, तो बाकी लोग भी शामिल हो सके और फोकस हो सके। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तक जो हमने वन नॉट इनकोड करते रहे या दूसरी चीजें हम इनकोडिंग करते रहे, वो सारे के सारे हम लेबल्स करते रहे। देखिए मैंने जो बिमला क्या कहा, अभी तक जो इतने भी हम वन नॉट इनकोडिंग करते रहे हैं, वेक्टराइज करते रहे हैं अपने डेटा को, उसके अंदर हमने डेटा को नहीं, हमने ज्यादातर अपने लेबल्स को वन नॉट इनकोड किया था, कि हमारे लेबल्स जो है ना वो क्या है, उनको वन नॉट इनकोड। अभी तक हमने अपने डेटा को वेक्टराइज नहीं किया था, ठीक है? अगर आपको याद हो, आप मेरी क्लास में हो, तो मैंने ये बात समझाई थी कि अगर आपके पास डेटा है, डेटा टेबल, टेबुलर डेटा के अंदर डेटा है, और कोई कॉलम डेटा के अंदर ऐसा है जो नॉन न्यूमेरिक है, तो उस डेटा के फीचर को भी आपको जो है इनकोडेड करना पड़ेगा, सिर्फ लेबल्स को नहीं। इत्तेफाक ऐसा है कि हमने जितनी भी एग्जाम्पल्स की हैं पीछे, या तो उनमें ऑलरेडी डेटा ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ था, हमने सिर्फ लेबल्स को इनकोड किया था, या फिर ऐसा सीन था कि उसके अंदर कोई डेटा जो है वो ऐसा था ही नहीं जिसके अंदर कोई कॉलम जो है वो स्ट्रिंग हो या नॉन न्यूमेरिक हो। सर किया था, जो आपने असाइनमेंट्स दी थी ना, जो पांच में जो कार वाला था उसके अंदर ये था, अल्फा न्यूमेरिक थे, तो फिर हमें अच्छा, वो करना पड़ा था उसमें। हाँ, हमने किया था जो कॉलम्स होंगे, उनको वन नॉट इनकोड जो है वो आपको करना पड़ेगा। अच्छा तो यहाँ पर जो है, क्योंकि अब टेक्स्ट डेटा है, तो टेक्स्ट में तो सभी कुछ टेक्स्ट है, यहाँ तो न्यूमेरिक हो गई नहीं, तो हमें इस पूरे टेक्स्ट को जो है वो हमने न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिर्फ लेबल्स को ही नहीं। अगर लेबल्स भी इसके जो है वो नॉन न्यूमेरिक होंगे, तो लेबल्स को भी हमें वन नॉट इनकोड करना पड़ेगा। एक और इम्पोर्टेंट है, लेबल्स जब हम बने, यार मेरा नेट खराब है, सर की आवाज चली गई है, सर की आवाज चली गई है, आगे वापस आ गए। मैं बात कर रहा था कि हम क्या करते हैं, लेबल्स को तो इनकोड करते ही हैं, अगर हमारा डेटा भी जो है वो टेक्स्ट में या नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में है, हमने उसको भी जो है वो इनकोडिंग करनी पड़ेगी। अब इनकोडिंग का तरीका क्या होता है, स्टेप से चलते हैं, क्योंकि हमने पहले जितना भी
डेटा को इनकोड किया है वो हमें ऑलरेडी किया हुआ मिला था, तो हमें उसका आइडिया नहीं है कि हम अपने कॉलम्स को कैसे इनकोड करेंगे, अपने डेटा को कैसे इनकोड करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम अपने डेटा को टेक्स्ट को, अभी टेक्स्ट की बात करूं मैं, टेक्स्ट को ब्रेक कर लेते हैं, सेगमेंट्स बना लेते हैं, पार्ट्स बना लेते हैं। तो पार्ट्स कर ले अपने डेटा के, टेक्स्ट के इनटू वर्ड्स, वर्ड्स के जो है ना एक एक वर्ड को जो है ना वो पार्ट कर ले एंड ट्रांसफॉर्म ईच वर्ड इनटू अ वेक्टर, और हर वर्ड को जो है वो एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दें। अब इसका मतलब क्या है, इसको आप यू समझ लें भाई, लाइक मैं अब ये सेंटेंस लिख रहा हूँ, एक मैंने टेक्स्ट लिख दिया सर, कुछ लोग अब ये ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ज्वाइन नहीं कर पा रहे जी सर, वो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं यार, मेरे पास तो कोई नहीं आ रहा पेंडिंग। इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कोई पेंडिंग में तो नहीं आ रहा, मैंने तो ओपन रखा हुआ, कोई खुद ही आ जाते हैं लोग। अच्छा अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक टेक्स्ट है जिसको हमने वेक्टराइज करना है, और वेक्टराइज भी क्या होगा भाई, हम हर एक एक पार्ट जो है इस, अभी हमने क्योंकि वर्ड लेवल की बात की है कि हर वर्ड को जो है वो अलग पार्ट में सेगमेंट कर लिया जाए, अलग सेगमेंट बना लिया जाए, ठीक है। और इस तरह से जो है हमने अपने टेक्स्ट को ब्रेक कर लिया, वर्ड्स में ब्रेक कर लिया, वर्ड्स में पास बना लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपने हर वर्ड को एक जो है न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो असाइन करूंगा, हर वर्ड को एक न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो असाइन हो जाएगी। अच्छा ये बहुत रफ आइडिया मैं बता रहा हूँ, बहुत कुछ मजीद जो है ना इसके अंदर करनी पड़ती है, इसके अंदर से बहुत सारे वर्ड्स को जो है रिफाइन करना पड़ता है। अब चूंकि हमारा जो सेंटेंस है वो एक न्यूमेरिक में आ गया, नंबर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, इनकोड हो गया, ठीक है। ये मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर मैं इसको कह सकता हूँ कि मेरा वेक्टर जो है वो इनकोड हो गया, मेरा सेंटेंस जो है वो इनकोड हो गया, 0 1 2 3 4 5 से लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो है वो ये इनकोड। अच्छा अब इनकोड होने का मतलब ये है कि अगर कहीं दोबारा ये वर्ड आ रहा होगा सम, तो उसकी जगह हम क्या प्लेस कर देंगे, जीरो प्लेस कर देंगे। अभी हम ये समझ रहे हैं कि यही हमारा पूरा डेटा सेट है, तो उसकी रेंज ये है। अब हम इन नंबर्स को जो हमने इनकोड किए हैं, इनको मैं वन हॉट इनकोड जो है वो कर सकता हूँ, ठीक है। वन हॉट इनकोडिंग हमने सीखी हुई है, वन आउट इनकोडिंग में हम क्या करते रहे, जितनी हमारी वोकैबुलरी है उतना नंबर का वेक्टर बन जाएगा, फिर हमारा एक वन होगा, बाकी सारे जो है ना वो जीरो होंगे, याद है कुछ ऐसा ही था। और ये सिलसिला जो है
जी कोई सवाल पूछ रहे हैं तो पूछें। अच्छा इस तरह जो है हमारे पास जी हमारा पूरा जो ये डेटा है ये सारा का सारा जो है वो वन नॉट इंक्लूड जो है वो हो जाएगा। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूं। यस ये सर हम सर जब हमने ये अपने सेंटेंस को वर्ड्स में किया तो ये बेसिकली टोकन जनरेशन है जिस तरह हम कंपाइलर में। हां एग्जैक्टली अब मैं उसी तरह आ रहा हूं उसी के पास आ रहा हूं टोकन के पास आ रहा हूं। अभी मैंने समझा दिया ना अब मैं टेक्निकल जो वोकैबुलरी है वो इस्तेमाल कर लूंगा तो आप बाकी लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये अभी हमने सेगमेंट किया है अपने टेक्स्ट डेटा को इनटू वर्ड्स और हमने हर वर्ड को जो है वो एक वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। हर वर्ड को एक वेक्टर में कैसे कन्वर्ट किया जो उसका इंटीजर इंडेक्स था उस इंटीजर इंडेक्स की बिहाफ पे हमने जो है वन आउट इंक्लूडेड एक वेक्टर जो है वो जनरेट कर दिया। यही सेगमेंटेशन हम कैरेक्टर्स लेवल पे भी कर सकते हैं कि हम एक एक कैरेक्टर को जो है ना अलग अलग सेगमेंट कर लें। अभी हमने पूरा वर्ड किया है हम एक एक कैरेक्टर वर्ड कर ले लें तो हर कैरेक्टर को जो है वो वर्ड में कन्वर्ट कर। एक और तरीका एन ग्राम्स का होता है ये भी आगे आएंगे तो हम उसके अंदर देख लेंगे। तो कलेक्टिवली द डिफरेंट यूनिट्स इनटू विच यू कैन ब्रेक डाउन टेक्स्ट जो डिफरेंट यूनिट्स हैं जैसे वर्ड है कैरेक्टर है जिसमें आप अपने टेक्स्ट को तोड़ सकते हैं आर कॉल्ड टोकन्स यही टोकन्स कहलाते हैं और ब्रेकिंग टेक्स्ट इनटू सच टोकन्स इज कॉल्ड टोकनाइजेशन। और ऐसे सीक्वेंसेस को टोकन्स में ब्रेक करने का ये जो प्रोसेस है इसको टोकनाइजेशन कहते हैं। ऑल टेक्स्ट वेक्टराइजेशन प्रोसेस टेक्स्ट को वेक्टराइजेशन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है कंसिस्ट ऑफ अप्लाइंग सम टोकनाइजेशन स्कीम एंड देन एसोसिएटिंग अ न्यूमेरिक वेक्टर्स विद द जनरेटेड टोकन्स दीज वेक्टर्स पेग्ड इनटू सीक्वेंस टेंसर्स एंड आर फेड अप इनटू द न्यूरल नेटवर्क। तो यही टोकनाइजेशन करते हैं टोकनाइजेशन से फिर वेक्टर एसोसिएट करते हैं हर टोकन को एक वेक्टर अटैच कर देते हैं और यही वेक्टर जो है कंबाइन होके आपके पास एक टेंसर बन जाता है और ये टेंसर जो है वो न्यूरल नेटवर्क को फीड किया जाता है। जी किसी ने हाथ उठाया हुआ है ना सही ये एनग्राम्स किसे कहते हैं ये जो लिखा हुआ है एनग्राम्स मैंने कहा था कि एन ग्राम अभी आगे आएगी एग्जांपल में तो मैं वहां समझाता हूं। ठीक है अच्छा तो सर क्या ये देयर आर मल्टीपल वेज जी सर क्या ये अच्छा तरीका है अच्छा मेथड है मतलब इसमें बहुत ज्यादा मेमोरी वेस्ट नहीं हो रही कोई अल्टरनेट मेथड हां अल्टरनेट मेथड आ रहा है ना अल्टरनेट मेथड आ रहा है तो बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे यही बात हो रही है। There are multiple ways to associate a vector with a token. एक टोकन को numeric vector देने के बहुत जो है ना मल्टीपल तरीके हैं तो इन दिस सेक्शन आई विल प्रेजेंट टू मेजर वंस एक तो आपके पास है वन नॉट इनकोडिंग ऑफ टोकन्स और एक है टोकन एम्बेडिंग ठीक है आमतौर पे इसे कहते हैं वर्ड एम्बेडिंग ठीक है टोकन एम्बेडिंग या वर्ड एम्बेडिंग। वर्ड एम्बेडिंग इज द रिप्लेसमेंट ऑफ वन नॉट इनकोडिंग जिसके अंदर हमारे पास हम देखते हैं कि वन नॉट इनकोडिंग में बहुत हैवी वेक्टर बनता है और बहुत ज्यादा जो है ना मेमोरी का जिस तरह आपने बात की कि उसके अंदर इश्यूज आते हैं तो उसका तोड़ जो है वो आया है क्या वर्ड एम्बेडिंग ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है ये आपका टेक्स्ट है इसको टोकन में बना लिया और हर टोकन को एक वेक्टर जो है वर्टिकली असाइन हुआ हुआ है जो रिपीट हो रहा है उसका वेक्टर भी जो है वो रिपीट हो रहा है। ये एन ग्राम्स की जो हम बात कर रहे थे एक क्वेश्चन है सर इस पे सीएनएन भी अप्लाई हो सकता है अगर करना चाहे बंदा तो CNN इस्तेमाल होगा 1D वाला CNN इस्तेमाल होगा CNN 1D वो हम करेंगे इसी चैप्टर के अंदर आगे कन्वोल्यूशनल नेटवर्क 2D इस्तेमाल नहीं करेंगे कन्वोल्यूशनल नेटवर्क 1D इस्तेमाल करेंगे। ठीक है सर शुक्रिया सर डेटा मद्रास वेक्टर फॉर्म में इस वजह से 1D इस्तेमाल करेंगे। दोबारा क्वेश्चन पूछें
मैं कह रहा हूँ सर, डेटा हमारे पास क्योंकि हम वेक्टर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो वेक्टर 1D टेंसर होता है ना, तो इस वजह से 1D CNN यूज करेंगे। नहीं, उसकी कुछ और वजूहत है, क्योंकि हम RNN तो जो है ना इस्तेमाल करेंगे ही, 1D करने की जो है ना कुछ और वजूहत भी है। अभी तो हम पूरे प्रोसेस में कहीं भी नेटवर्क जो है ना इस्तेमाल कर ही नहीं रहे, अभी तो हम प्री प्रोसेसिंग जो है वो सीख रहे हैं। तो आपके आपके क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अर्ली है, अभी इनको होल्ड करें, अभी प्री प्रोसेसिंग समझ में आ जाएगी तो फिर हम जाएंगे नेटवर्क की तरफ। तो ये एन ग्राम्स क्या होते हैं? एन इज एनी नंबर दैट कैन बी 1 ग्राम। इफ एन इज 2 तो इट विल बी कॉल्ड एज 2 ग्राम, 3 तो 3 ग्राम। अब व्हाट इज एन? एक ग्राम क्या है? लाइक हमारे पास सेंटेंस था द कैट सेट, ये वाला सेंटेंस था द कैट सेट ऑन द मैट, तो इसके अंदर क्या होता है? बैग ऑफ वर्ड्स बनते हैं, बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है ना। बैग ऑफ वर्ड्स में क्या होता है, पहले एक वर्ड आ गया दा। अब दा क्योंकि मैं अगर 2 ग्राम्स पे काम कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि देयर वुड बी अ सेट ऑफ नंबर Not bigger than 2, तो अब दा के साथ फिर आगे cat आगे, इसमें 2 वर्ड आ गए, तो दा द कैट। उसके बाद cat 1 ग्राम, और cat के साथ अगला वर्ड आ गया set 2 ग्राम, फिर set अकेला set के साथ आ गया on, फिर on अकेला on के साथ आ गया दा, दा अकेला दा के साथ mat, फिर mat। ये 2 ग्राम थे, इसके अंदर जो है 1 ग्राम आ सकता है और 2 ग्राम आ सकता है, बस इससे बड़ा नहीं। अगर ये 3 ग्राम्स हो जाए, 3 ग्राम्स पे दा आ गया, दा कैट आ गया, कैट अकेला आ गया, कैट सेट आ गया, दो वाले जिस तरह सेट के ऑर्डर पेयर बनाते थे ना, अगर आपको याद हो तो द कैट सेट, ये 3 हो गया इसके अंदर, फिर सेट अलग आ गया, फिर सेट ऑन आ गया, ऑन अलग आ गया, कैट सेट ऑन, 3 से बड़ा नहीं होगा। तो सच अ सेट ऑफ, सच अ सेट इज कॉल्ड बैग ऑफ 2 ग्राम्स और बैग ऑफ 3 ग्राम्स रिस्पेक्टिवली। The term bag here refers to the fact that you are dealing with a set of tokens rather than a list of sequence. अब क्या होता था? Set of tokens होते थे, list of sequence नहीं होती थी। ये जो हमारे पास बन रहा है curly brackets के साथ, इसको set कहते हैं, ठीक है? Curly brackets के साथ दो चीजें होती है, हम मालूम है, dictionary भी होती है और set भी होता है। Dictionary होगी तो key value pair होगा, और अगर खाली data होगा तो हमारे पास सेट कहलाएगा, और सेट की, सेट के सारे आइटम्स जो हैं यूनिक होते हैं, कोई चीज जो है वो रिपीट नहीं होती। Because bag of words isn't order preserving tokenization method, क्योंकि तरतीब का कोई मसला ही नहीं होता इसके अंदर, लिहाजा इंडेक्सिंग जो है वो काम नहीं करती है, और वो रेंडमली जो है ना एक एक जो पेयर है वो बैग में से निकालता रहता है, कुछ भी निकलता रहा है, उनको जो है ना वेक्टर जो है वो अलग एसोसिएट होता जाता है रैंडमली, एक एक सेट का जो वैल्यू है वो एक एक करके आती रहती है, कोई सी भी वैल्यू पहले आ सकती है, इट्स अ बैग, तो उनको जो है ना जो है वेक्टर जो है वो अटैच होता रहता है। तो इट्स जस्ट मेथड ऑफ टोकनाइजेशन, वेक्टर एसोसिएशन तो जो है ना वो वैसे ही रहेगी जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो वन नॉट इनकोडिंग ऑफ वर्ड्स एंड कैरेक्टर्स, अब हमें वन नॉट इनकोडिंग करनी है वर्ड्स की और कैरेक्टर्स की। तो वन नॉट इनकोडिंग इज द मोस्ट कॉमन मोस्ट बेसिक वे, ठीक है, ये हमें मालूम है। इसके अंदर क्या होता है? बाइनरी वेक्टर होता है, साइज उसका एन ही होता है, जितनी वोकैबुलरी होती है सारे 0 होंगे, सिर्फ 1 1 होगा, ये सारी बातें हमें मालूम है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, टॉय एग्जाम्पल्स, वर्ड लेवल वन नॉट इनकोडिंग, हमने जो है ना इसको समझना है। अच्छा, ये आपको सिर्फ समझा रहे हैं जस्ट फॉर योर आपके जरा माइंड ट्रेन हो जाए कि किस तरह जो है ना वन नॉट इनकोडिंग जो है वो हो रही होती है, अदरवाइज आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारी लाइब्रेरीज और सारी चीजें बनी है, आप वो इम्पोर्ट करेंगे, आपका डाटा जो है वो वन नॉट इनकोड हो जाएगा, वो करना इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है जो आप उसको जब ड्राई रन करेंगे, उसको चलाएंगे, देखेंगे, तो फिर आपको जो है वो आउटपुट जरा होते हुए नजर आएंगे, कॉन्सेप्ट जरा आपके
स्ट्रांग हो जाएंगे। तो यहाँ इन्होंने क्या किया है, एक लिस्ट में दो स्ट्रिंग आ गए, यानी ये हमारा सॉरी डेटा वन है और ये हमारा डेटा रिकॉर्ड वन और रिकॉर्ड टू कह लो, ठीक है। टोकन इंडेक्स की एक हमारे पास डिक्शनरी जो है वो क्रिएट हुई हुई है, एम्प्टी डिक्शनरी, ध्यान में रहे कि हमने करना क्या है, हमने जो है अपने हर वर्ड को एक टोकन असाइन करना है, फिर उसको वन आउट एक कोड जो है वो करवाना है। तो पहले लूप जो है फॉर सैंपल इन सैंपल्स क्या किया जी, दो लूप लग रहे हैं, आउटर लूप है और इनर लूप है। आउटर लूप में हमने यहां से जब चलेगा तो सैंपल्स में से एक सैंपल जो है वो इसके अंदर आ गया, फिर उसके बाद इस सैंपल को स्प्लिट किया हमने, एम्प्टी छोड़ा हुआ, मतलब स्पेस पे स्प्लिट हो रहा है। सबसे पहला जो वर्ड आएगा यहां से निकल के वो इस वर्ड में आएगा द। अब आगे कंडीशन लगी हुई है, इफ वर्ड यानी द, अगर ये द नहीं है टोकन इंडेक्स में तो, क्योंकि अभी ये एम्प्टी है इसलिए ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई कि वाकई दा जो है वो भी टोकन इंडेक्स में नहीं है। जब नहीं हो तो क्या करना है, अभी टोकन इंडेक्स वर्ड ये टोकन इंडेक्स की बन जाएगा दा, सबको बात समझ में आ रही, ये की बन जाएगा और इस की के अगेंस्ट क्या वैल्यू असाइन कर दो, लेंथ ऑफ टोकन इंडेक्स प्लस वन, टोकन इंडेक्स की लेंथ इस वक्त जीरो है, उसमें वन ऐड कर दिया तो हमारे पास वन इसकी वैल्यू बन गई। अगर मैं यहाँ लिख दूं आपकी समझ में आने के लिए, तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी बन गई है, इस डिक्शनरी के अंदर हमारे पास एक की आ गई है जो क्या है भाई, जो दा है करके, और दा के अगेंस्ट जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है वन वन। ये आपके पास अभी एक जब लूप चला है तो दा को जो है वन असाइन हो गया, ठीक है। जाहिर है अब ये लूप जब ये काम प्रोसेस हो जाएगा तो ये काम जो है वो दोबारा होगा, लूप जो है ये वाला दोबारा चलेगा और अगला वर्ड इसके अंदर आ जाएगा कैट, वर्ड के अंदर आ गया कैट। अगर कैट टोकन में नहीं है, क्योंकि हमने क्या करना है, रिपीटेड वर्ड्स तो लेने नहीं है, क्योंकि जो वर्ड रिपीट होंगे उनका वेक्टर, उनका एसोसिएटेड वेक्टर सेम रहता है तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। कैट नहीं है तो फिर कैट को भी क्या करो, टोकन इंडेक्स कैट, कैट उसकी की बन गई और लेंथ प्लस वन। अब लेंथ में यहाँ पर क्योंकि एक वैल्यू आ चुकी है इसलिए वन पहले ही था, अब लेंथ टू हुई तो कैट कैट को टू मिल जाएगा, फिर सेट को थ्री, इसको फोर, इसको फाइव, इसको सिक्स, नहीं ये डी को फाइव नहीं मिलेगा, दा पहले मौजूद है ना सर, नहीं ये स्मॉल में है ना, अच्छा वो स्मॉल में ये, अच्छा इसको डिफरेंट ट्रीट करेगा, अभी डिफरेंट ट्रीट करेगा। मैंने कहा ना अभी हम बहुत रफ लेवल पे चल रहे हैं, बहुत सारी चीजों को अभी हम शामिल ही नहीं कर रहे हैं ना, वरना पंक्चुएशंस हो गई, आर्टिकल्स हो गए, जिनसे सेंटेंस के जो डायरेक्शन है पॉजिटिव या नेगेटिव होना वो इनसे उस पर फर्क नहीं पड़ता, उससे पता नहीं चलता, तो ऐसे वर्ड्स को हम ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो अभी वो सारी बातें हम यहाँ कर ही नहीं रहे जो प्योर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की है, अभी हम बहुत रफ चल रहे हैं। अगर रिपीट हो रहा हो वर्ड, हाँ रिपीट हो रहा होगा तो यहाँ कंडीशन लगी हुई ना, अगर रिपीट हो रहा है तो वो टोकन असाइन ही नहीं करेगा, उसने कहा अगर नहीं है पहले से तो ये काम करना, अगर है तो फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये फिर दोबारा ये वाली जी जी ये वाली कंडीशन जो है इस वर्ड नॉट इन टोकन इंडेक्स डॉट कीज नहीं होना चाहिए, टोकन इंडेक्स की कीज में अगर वर्ड नहीं है तो? नहीं, अगर टोकन इंडेक्स लिखेंगे तो वो कीज ही रिटर्न करता है, आपको आप चला के देख लीजिएगा। ओके हिस्ट्री डॉट हिस्ट्री किया था ना पीछे जी सर,
क्या आता था वहां पे, एक्यूरेसी और की आती थी ना, की आती थी ना, वैल्यू तो नहीं आती थी ना, तो कीज ही आएंगी। अच्छा अब ये पूरा मामला चल जाएगा, तो ये लूप जो है जब ये ब्रेक हो जाएगा तो फिर ये सैंपल से अब अगले सेंटेंस की बारी आ जाएगी और ये सैंपल शुरू होगा, फिर ये सैंपल इसी तरह काम करना शुरू करेगा और सबको जो है ना फर्दर जो है वो टोकन मिलते जाएंगे और आखिर में टोकन इंडेक्स को जब आप चेक करेंगे तो यू विल सी कि देयर आर एक डिक्शनरी बनी हुई है, मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, आप लोग कर लेंगे लेकिन अगर आप कर ले तो ज्यादा अच्छा। अच्छा नहीं सर ये बेसिक लेवल का कर लेंगे, आप आगे करते जाएं कॉन्सेप्ट के लिए। यस सर ये सही समझ में आने वाली बात है, अगर नहीं समझ में आ, अगर नहीं समझ में आ तो मैं करा सही। ये स्प्लिट जो है ये क्या कर रहा है सर यहां पे, अलग कर यार भाई, ये बचपन के सवाल बचपन में पूछ रहे हैं आप लोग, ये स्पेस से अलग भाई। स्प्लिट जो है ना ये जो भी स्ट्रिंग इसके पास था स्ट्रिंग, तो वो स्ट्रिंग को रीड करता जाता है करता जाता है करता जाता है और हमने उसको बोला हुआ स्प्लिट कर दो एम्प्टी, इसका मतलब था स्पेस, जैसे स्पेस आएगा वो क्या कर देगा वहाँ पर रुक जाएगा और जितना कुछ उसको मिला होगा वो आगे भेज देगा। अगर स्प्लिट में मैं डाल दूंगा फुल स्टॉप या कॉमा तो फिर अगर उसको फुल स्टॉप या कॉमा नजर आएगा तो वहां पर वो रुक जाएगा और उसको ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। यानी आपके स्ट्रिंग को तोड़ने के लिए स्प्लिट इस्तेमाल होता है ना। यस सर, थोड़ा सा इसको दोबारा इम्प्लीमेंट कर लीजिएगा थोड़ा सा स्ट्रिंग लिख के ना, तो आपको इसका आइडिया समझ में आ जाएगा। अच्छा अब यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम लेंथ 10th, ये एक इम्पोर्टेंट बात है। यहाँ हमने जो है वो डिफाइन कर दिया है कि हमारा हमारी जो वोकैबुलरी होगी वो मैक्सिमम 10 वर्ड्स की होगी, चाहे सेंटेंस कोई कितना भी बड़ा लिख दे, ठीक है। हमने जो वोकैबुलरी बनानी है अपनी वो 10 वर्ड्स से ज्यादा बड़ी नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या है, रिजल्ट्स की एक एम्प्टी जो है वो मैट्रिक्स बनाई है, जिस तरह हमने पीछे भी किया था याद है कंप्यूटर विजन के अंदर, रिजल्ट यहाँ पर हमने जब डेटा के लिए प्री ट्रेंड नेटवर्क जब इस्तेमाल कर रहे थे, कोई एम्प्टी कंटेनर बनाया था और उसके अंदर अपने आंसर्स जो है वो स्टोर कराते गए थे। तो यहाँ पर भी क्या किया, np.0s की एक मैट्रिक्स बनाई है, उसकी शेप क्या होगी, लेंथ ऑफ सैंपल्स, सैंपल्स कितने हैं हमारे पास, दो, दो। मैक्सिमम लेंथ कितनी हमने डिफाइन कर दी है 10 और मैक्सिमम टोकन इंडेक्स की वैल्यूज, जितनी मैक्सिमम वैल्यू आई है टोकन इंडेक्स की उसका प्लस 1। तो ये हमारे पास 3-dimensional एक जीरोस का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इन दिस केस इसकी डेप्थ जो है वो 2 होगी, यानी 2 मैट्रिक्स बनेंगे आगे पीछे और उसके अंदर रॉस जो है वो 10 होंगी और उसके अंदर जो कॉलम्स की तादाद होगी वो टोकन इंडेक्स वैल्यूज प्लस 1 होगी, आई सपोज 11 के करीब कॉलम्स बनेंगे, 10 रॉस बनेंगी और ऐसी 10x11 की 2 मैट्रिक्स होंगी, डेप्थ इसकी 2 होगी। अब क्या किया जी, अब आगे काम किया छोटा सा के सैंपल्स को इन्यूमरेट किया, लूप चलाया। इन्यूमरेट क्या करता है सबको मालूम है, ये वैल्यूज उठाता जाता है और साथ साथ एक इंडेक्स भी प्रोड्यूस करता जाता है, उनका काउंट भी प्रोड्यूस करता जाता है। तो जब सैंपल्स पे इन्यूमरेट किया तो पहला सैंपल उठेगा दिस वन, ठीक है, ये सैंपल भी आ जाएगा और इस सैंपल के साथ एक नंबर भी आ जाएगा, वो होगा 0। सैंपल भी आ गया और उसके साथ एक नंबर भी आ गया 0। मैं एक काम करता हूँ, इसको चला ही देता हूँ ताकि मामला जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। मां
अभी सबसे पहले हमारे पास ये है इनर लूप, फिर इसके अंदर ये है, इसके लिए भी सर जीपीयू चाहिए होता है, ये भी हैवी होता है कि इस पर आराम सीपीयू पे चल जाएगा। हाँ, इसके अंदर डेटा थोड़ा सा कम है तो ये तो चल जाएगा, लेकिन जो हमारा टेक्स्ट होगा ना उसके लिए शायद चला तो देगा टेक्स्ट को, लेकिन थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेगा। अगर जीपीयू हो तो क्या ही बात है। नहीं, कंपैरेटिवली सीएनएन के तो ये लेस होता है, चाहे जितना भी बड़ा हो। ये थोड़ा कम होता है। ये देखें, ये हमारे पास टोकन इंडेक्सिंग हो गई ना, ये वाला काम हुआ है जो मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया था, ये वाला कि हर एक टोकन को एक इंडेक्स मिल गया। तो यहाँ पर जब हमने ये ऊपर वाला प्रोसेस किया है, यहाँ तक ये ऊपर वाला प्रोसेस, तो यहाँ तक के प्रोसेस में जो है वो हमने एक हर वर्ड को टोकन इंडेक्स दे दिया। उसके बाद रिजल्ट्स की एक मैट्रिक्स बनाई, मैंने कहा वो कैसी मैट्रिक्स बनेगी, वो आपके पास इस तरह से ये थ्री डायमेंशनल मैट्रिक्स बनेगी। इसके अंदर एक ये है डेप्थ है, इसकी डेप्थ जीरो और डेप्थ वन, और इसके अंदर जो है हमारे पास 3, 6, 9, 11 जो है वो कॉलम्स हैं, और हमारे पास 10 जो है, क्योंकि वोकेबलरी 10 होगी तो 10 से ज्यादा वोकेबलरी आएगी नहीं, हर वर्ड के लिए एक लाइन है, 10 आपके पास जो है वो रोज है, 11 जो है वो। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम 1 फिल कर देंगे, बाकी सबको 0 रखेंगे, ऑटोमेटिकली हमारा 1 आउट बन जाएगा। खैर, अब देखते हैं इसको। तो यहां पर काम क्या हुआ कि भाई ये टुकड़े टुकड़े करके जरा मैं करूंगा इसको, ताकि आउटपुट जो है वो इजीली समझ में आ जाए। सबसे पहले तो जब हम इसको इन्यूमरेट करवा रहे हैं, तो इन्यूमरेट करवाते वक्त अगर मैं चेक करूं, तो हमारे पास ये बन गया, सॉरी सैंपल। पहले जब सेंटेंस उठ रहा है वहां से, तो उसके साथ साथ उसको एक सेंटेंस को भी एक नंबर मिल रहा है। पहला सेंटेंस उठा, फिर आपके पास दूसरा। इन्यूमरेट की वजह से बाद लोगों को इन्यूमरेट नहीं पता होता, इसलिए मैंने ये कर दिया है, बाकी लोग पता होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये हमारे पास हो गया। अब हमने यहाँ पर क्या किया कि सैंपल के अंदर जो सैंपल आया उस पर लूप कर रहे हैं, सैंपल को स्प्लिट किया, सैंपल को स्प्लिट किया और साथ साथ बता दिया कि कितने स्प्लिट करने हैं, 10 से ज्यादा नहीं करने, क्योंकि 10 से ज्यादा वर्ड लेने ही नहीं है। और स्प्लिट होते वक्त हर स्प्लिट हुए वर्ड को इनुमरेट भी करा दिया, और इनुमरेट कराने के बाद उसे लिस्ट में भी कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो नंबर जो है वो जे में आ गया और वर्ड जो है वो वर्ड के अंदर आ गया। समझिएगा, जरा कॉम्प्लेक्स का कोड ये है थोड़ा सा। सैंपल्स को स्प्लिट किया, सैंपल हमारे पास क्या है, स्प्लिट होगा दा पे, ऊपर इनुमरेट होगा तो दा को मिल जाएगा जीरो, तो समझ लीजिए जे में चला गया जीरो और वर्ड में चला गया दा। फिर अगला स्प्लिट होगा कैट, कैट को कैट चला जाएगा वर्ड में, इनुमरेट होकर कैट को मिल जाएगा वन, एंड सो ऑन। तो ये प्लेस कहाँ हो रहा है, ये हमने क्या किया, टोकन इंडेक्स डॉट गेट वर्ड। अच्छा, डिक्शनरी हम इस्तेमाल करते रहे हैं, आमतौर पे हम डिक्शनरी से जब कोई वैल्यू गेट करते हैं तो आपको याद होगा हम कैसे करते थे, डिक्शनरी से जब हम कोई वैल्यू गेट करते थे अमूमन हम क्या करते थे, अभी टोकन इंडेक्स और उसकी जो है यहाँ पर ब्रैकेट में की पास कर देते, लिख देता हूँ
ठीक है, तो हमारे पास जो है उसका आंसर में वैल्यू आ जाती है। अच्छा मैं अगर की इस्तेमाल ना करूं तो मैं गेट का फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकता हूं, गेट गेट करके मैंने बता दिया अभी इसको, ये हमारे पास ठीक है, इट वर्क्स सिमिलरली जस्ट लाइक द की। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि यहां इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। चलो इन दोनों को टोटली रिप्लेस कर सकते हैं। यस हां हां बिल्कुल। तो ये इन्होंने टोकन इंडेक्स और स्क्वायर ब्रैकेट लगा की देने के बजाय क्या कह दिया, गेट वर्ड। वर्ड में क्या आया हुआ है, वर्ड में आया हुआ है पहली दफा में द, ठीक है, और उसका जे जो है वो जीरो इंडेक्स है। तो आपने क्या किया भाई, उस वर्ड को गेट किया, टोकन इंडेक्स और गेट वर्ड के उसकी जो वैल्यू होगी वो किसको मिल गई, इंडेक्स को मिल गई। ये की है ना, की के अगेंस्ट जो वैल्यू रिटर्न हुई होगी वो किसको मिल गई, इंडेक्स को मिल गई। अब आपने क्या बोला भाई, रिजल्ट के आई में जाओ, आई में सैंपल की वैल्यू जीरो है, यानी के पहली मैट्रिक्स में आ जाओ, पहली मैट्रिक्स इस ये आ गई डेप्थ जीरो में आ जाओ, डेप्थ जीरो में आ जाओ, और उसके जे में जाओ, जे में आपके पास फिर वैल्यू जीरो है, उसकी जीरो तो रॉ में आ जाओ। अब ये इसकी जीरो रॉ में आ गया, ठीक है, इसकी जीरो रॉ में आने के बाद उसके इंडेक्स में आ जाओ, इंडेक्स में वैल्यू वहां जो भी आई होगी, क्योंकि पहला वर्ड जो है वो दा है, तो ये भी क्या हो गया, इंडेक्स में वैल्यू जीरो आई होगी, उसके जीरो में आ जाओ और वहां पर क्या डाल दो, वन डाल दो। तो ये इसने यहां पर उठा के क्या डाल देना है, इस जगह पे वन डाल देना, ठीक है। अब अगली दफा क्या होना है, अगली दफा ये अगला वर्ड स्प्लिट करना है, अगला वर्ड स्प्लिट करेगा तो आई की वैल्यू सेम रहेगी, जे की वैल्यू में अगला आ जाएगा वन, वर्ड आ जाएगा कैट, तो आई की वैल्यू चूंकि सेम है इसलिए डेप्थ जो है सेम रहेगी, अगली रॉ पे आ जाएगा और उसके अगले जो है ना पोजीशन पे आके वन डाल देगा, इस तरह इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर आ जाएगा, और 10 से ज्यादा आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमने आगे लिमिट जो है वो प्लेस की हुई है, मैक्सिमम लेंथ जो है वो कितनी है 10। जब ये पूरा हो जाएगा पहला सेंटेंस, अब वो आएगा सैंपल्स में दोबारा और दोबारा इन्यूमरेट करेगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, और अब ये अगला काम शुरू करेगा वन मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, और वन के अंदर भी अगला इन्यूमरेट होता रहेगा सेम प्रोसेस से, और सब सारे जो दूसरा सैंपल है उस सबको जो है वो वन जो है वर्ड को मिलता रहेगा, और इवेंचुअली जो है हमारा पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इसमें। अगर मैं सर मैक्सिमम लेंथ 10 पर क्यों फिक्स की हुई है, कोई खास वजह उसकी, क्योंकि उसकी वर्ड जो है वो 10 है, उसके जो नंबर्स मिलेंगे वो 10 ही होंगे, सर मैंने भी देखा नहीं, वो ठीक है, मैं जो बात कर रहा हूं, बाज दफा ऐसा होता है कि आपको मैंने एक किताब दे दी है पूरी, अब किताब के अंदर यूनिक वर्ड्स अगर आप निकाल रहे हैं तो कोई 2,500 यूनिक वर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, बाकी रिपीट हो रहे होंगे हर वर्ड, 2,500 तो ये बहुत बड़ा वेक्टर बन रहा है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं यार वोकैबुलरी का साइज क्या कर दो भाई, कम कर दो, ठीक है, तो वोकैबुलरी का साइज कम करने के लिए हम बता दिया कि भाई जितना भी किसी ने, अगर किसी ने कमेंट लिखा है बहुत बड़ा कमेंट लिख दिया, मैंने पूरा कमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 20 वर्ड 30 वर्ड 100 वर्ड शुरू के चाहिए बस, बाकी सब डिस्कार्ड कर दो, तो हम वो उसको मैक्सिमम लेंथ जो है वो बता देते हैं। इससे नुकसान भी हो सकता है, हो सकता है कि जो अहम चीजें हो बाद में हो, फालतू वर्ड जो है शुरू में हो, लेकिन आप साइज को रिड्यूस करने के लिए ऐसा कर लेते हैं। और फिर ऐसा होता है मैक्सिमम वर्ड में कि अगर किसी ने छोटा रिव्यू लिखा हुआ है तो फिर पैडिंग भी लगानी पड़ती है ताकि मैक्सिमम वर्ड्स को जो है वो कवर अप किया जा सके। तो अब हमने ये रिजल्ट्स को दोबारा चेक करता हूँ मैं कि मेरे पास वन आउट इनकोड होके ये कैसा लग रहा है, ये देखिए ठीक है, 1-1 है, जी समझ में आ रही बात, सही है सर, जबरदस्त, ये सारे में वन नहीं आ रहा, नीचे तक जीरो आ रहा है, नीचे बाक में कहां कहां, ये
जीरो इसलिए आना कि वहां वर्ड नहीं है ना, उसमें सिर्फ पहले वाले सेंटेंस में पहले पांच तक होता है, नहीं तो रेस्ट ऑफ जार के खाली रहेगा। मैं इधर बता रहा हूं, इधर बता रहा हूं, ये यहां पर हमने 10 लिया है ना, ये कितने हैं अब, जब पहला सैंपल लिया है, जब पहला सैंपल लिया है तो वो यहां तक ही चला। यस सर समझ आ गया। एक किसकी आवाज आ रही है, म्यूट कर लें ये। किसके पास से आवाज आ रही भाई, खुद ही म्यूट कर ले वरना मुझे फिर सबको म्यूट करना पड़ेगा। खाजा संताहा है सर, कोई जो भी है वो ध्यान कर ले, कोई मसला नहीं हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन म्यूट कर लिया करें। अच्छा तो ये हमारा पूरा प्रोसेस जो है वो वन नॉट इनकोड का हमने देख लिया, जो हमने मैनुअल जो है ना वो इसको परफॉर्म किया है। अब इसके अंदर ये जनरल कोड लिखा हुआ है, आप एक ही सेंटेंस ले लें अगर और वो बिग इनफ हो जाए कोई मसला नहीं, मैक्सिमम लेंथ को बढ़ा लें तो ज्यादा वोकैबुलरी और आपका जो वेक्टर है इनकोडेड वेक्टर वो बहुत बड़े साइज का जो है बन जाएगा। सेम इसी तरह जो है फॉर लूप के एंड पे अगर हम मैक्सिमम लेंथ की लिमिट ना देते तो क्या होता, फिर वो सारा ले लेता। अगर ये सेंटेंस यहाँ तो अभी कम लिमिट का लिखा हुआ है ना, अगर ये यहाँ पर पूरा पैराग्राफ लिख दूं, मैं एक ऐसे लिख दूं जिसके अंदर 250-300 वर्ड हो, तो आप की जो ये रॉ है, ये वाली नंबर ऑफ रॉस, ये जो है 250-300 ये रॉ बनेंगे, हर वर्ड को एक वेक्टर मिलेगा, हर यूनिक वर्ड को। लेकिन सर आपने इधर बताया ना कि मैक्स लेंथ लिखा हुआ है आपने, अगर आप वहां ना लिखते आपको मेंशन तो करना ही पड़ना था कि कितनी रोज होंगी, कितने कॉलम्स होंगे वहां। नहीं, अगर अगर मेंशन नहीं करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उठा लेगा ना। जैसे नीचे रिजल्ट्स में देखें आप, हाँ यहाँ बताना पड़ेगा, यहाँ यूं भी बता सकता हूँ मैं, या मैं जो है ना वो अपने सैंपल्स की स्लाइस लेकर जो है ना मैन्युअली बता सकता हूँ कि इतने परसेंट ले लो, परसेंटेज शो कर सकता हूँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके जो कन्वर्ट करके उतने उठा लेगा, कुछ भी कर सकता हूँ, मैनुअल हार्ड कोडेड भी लिख सकता हूँ। लेकिन इस कोड में मैक्स लेंथ ना भी लिखी है तो ये वर्क फाइन करेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, 3D नहीं बनेगा ना। नहीं नहीं सर, मैं उस लूप के अंदर कह रहा हूँ, फार जो जे वाले के आगे मैक्स लेंथ दिया हुआ उसके आगे, यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर तो कम है ना पहले, क्योंकि वो सैंपल को कर रहा तो ऑटोमेटिकली वो देगा। जी जी हाँ। अच्छा ये अब कैरेक्टर लेवल पे अगर काम करना है तो कैरेक्टर लेवल पे भी इसको इसी तरह कर सकते हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे जो है ना वो टोकन इंडेक्स के लिए चेंज कोड किया हुआ, इसको खुद जो है जिप ऑफ करके डिक्शनरी बनाई हुई, जरा एक्सप्लोर कर लीजिएगा। राइट सर, समझा दें तो ज्यादा अच्छा है ना, आप ज्यादा क्लियर हो जाते हैं आप समझ। नहीं कुछ खुद भी करके आना चाहिए, अब हम सीनियर कर ले, लड़ाई नहीं लड़े। सही है, प्रिंट टेबल क्या है और क्या है इधर से तो बता देना क्या चीज। ये जो करैक्टर से आगे स्ट्रिंग डॉट बता रहा हूं, बता रहा हूं, देखिए आप इंपोर्ट स्ट्रिंग किया हुआ है, ये स्ट्रिंग पाइथन का है, इस स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि स्ट्रिंग प्रिंट टेबल, प्रिंटेबल का मतलब ये होता है कि कितने स्ट्रिंग्स हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं जिनको स्ट्रिंग कहा जाता है, इसमें कैरेक्टर जो होंगे कैपिटल लेटर में होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे। चलिए इसको देख लें, यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ, इधर लगा देता हूँ इंपोर्ट स्ट्रिंग, और मैंने यहाँ पर किया स्ट्रिंग डॉट प्रिंटेबल, ये वो लिस्ट है स्ट्रिंग की जो स्ट्रिंग कहलाते हैं बेसिकली, ठीक है ना। यस सर, ओके लिस्ट बता दी उसको। अब हमने क्या बोला अभी के एक रेंज बनाइए, समझिएगा इसको, वन से जो शुरू हो रही है और लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स तक जा रही है। लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स कितनी है ये यहां से आप मालूम कर लें, इसकी मेरे ख्याल से हंड्रेड, ठीक है। अब ये रेंज वन से शुरू हो रही है, हंड्रेड तक, हंड्रेड प्लस वन तक जाएगी,
यानी 100 करेक्टर इसके अंदर आ जाएंगे। जीरो से नहीं शुरू हो रहा है, इसलिए जो पहला करेक्टर होगा उसको क्या मिल गया, वन मिल गया। जीरो जीरो अब किसी को नहीं दे रहे, ठीक है। तो उसके बाद जो भी ये सारे नंबर बन गए वन से लेके हंड्रेड तक, जिप का क्या मतलब है सर? अरे आ रहा हूँ ना, पहले अभी बाहर अभी तो अंदर ही हूँ ना। अभी हमने क्या किया, रेंज जनरेट करी। अब आपके पास एक से लेके 101 तक के कैरेक्टर आएंगे, लेकिन 100 तक ही आएंगे क्योंकि आखिरी वाला चलता नहीं है। और कैरेक्टर्स जो हैं वो सारे ये रहे जो अभी हमने यहाँ निकाले, ठीक है। अब मैं इनको जिप कर रहा हूँ। जिप करने का मतलब ये होता है कि पेयरिंग करना, ठीक है ना। दो लिस्ट को, दो पेयर्स को मैं जिप कर रहा हूँ, एक साथ कंबाइन कर रहा हूँ। तो इसके आगे क्या लिखा हुआ जाएगा, वन। इसके आगे लिखा हुआ जाएगा टू। जिपिंग हो रही है ना दोनों की, एक वहां से लिया, एक वहां से लिया, एक वहां से लिया। तो ये जिप हो जाएंगे। जिप होने के बाद हमने उसको कन्वर्ट कर लिया डिक्शनरी में, तो ताकि उसको की वैल्यू बना दे। अब टोकन इंडेक्स अगर मैं इसका चेक करूं, मैं ये वाली लाइन चलाता हूँ, इधर मैं कह देता हूँ तो हर एक जो है डिक्शनरी बन गई पूरी, ये देखिए। सर जिप की एक दफा फिर बता दें, जिप की मुझे समझ नहीं आई बात। जिप ये करता है, ये जिप जो है जिप कर दे, डिक्शनरी हटा के जिप को डिस्प्ले करा दे सर। अगर डिक्शनरी को हटा के ना तो टोकन इंडेक्स को फिर कर दे सर, डिक्शनरी हटा दे और जिप का फिर इनके सामने आ जाएगा। इसी के ऊपर ही सर, और ज्यादा आसान कर देता हूँ। ये है वन टू, ये है असल में, ये सब वही बात है, बचपन के टॉपिक है, बचपन में पूछे जा रहे हैं। अभी भी हम बच्चे ही हैं, हम भी बड़े नहीं हैं। जिप किया ए और बी को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको जिप करके मैंने डाल दिया किसके अंदर, क्यू में। अब मैंने यहाँ पर किया फॉर पी इन क्यू, सॉरी तो पिछला सेल आपने एग्जीक्यूट नहीं किया, प्रिंट पी, पिछला एग्जीक्यूट ये कैप कर दिया मैंने। ये देखो इसने क्या किया भाई, एक नंबर यहां से उठाया और उसी इंडेक्स का नंबर यहां से उठाया और उन दोनों को साथ क्या कर दिया, मिला के लग दिया, ठीक है। फिर टू यहां से उठाया सेकंड इंडेक्स, और फिर बी यहां से उठाया सेकंड इंडेक्स, दोनों इंडेक्स को आपस में पेयर बना दिया। ये करता है जिप। अब इस जिप को जो है ना मैं क्या करूं, डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दूं। जिप को मैंने उसके जवाब, जो जिप ने मुझे जवाब दिया उसको डिक्शनरी में कन्वर्ट कर दिया। ये आपके पास जो है वो डिक्शनरी जो है वो बन जाएगी। पी 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 उठाया पी, अच्छा मैं काम करता हूँ, दोबारा लूप लगाना पड़ेगा। अभी बात समझ में आ गई इसमें कि इसके बाद जब ये जिप हो गया उसके बाद ये फाइनली केस में कन्वर्ट हो गया, डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गया। इस तरह जो पेयर बने थे ना उसके आगे उन्होंने क्या लगा दिया सिर्फ, ठीक है सर, मतलब समझ ले टपल को टाइप कास्ट कर दिया ना डिक्शनरी, वही इतनी सी बात है, टपल को जो है वो टाइप कास्ट कर दिया डिक्शनरी में। यहाँ मैक्सिमम लेंथ जो है वो 50 बता दी है, रिजल्ट की मैट्रिक्स बनाई उसी तरह से, लेंथ सैंपल मैक्सिमम लिस्ट टोकन इंडेक्स डॉट कीज प्लस वन, इन्यूमरेट किया जे करेक्टर, इन्यूमरेट सैंपल टोकन इंडेक्स करेक्टर देता है, रिजल्ट बना दिए बस। कोई नया सिर्फ एक ये लाइन नई थी और ये थोड़ा करेक्टर्स, बस दो लाइन इसमें, बाकी पूरा कोड वैसे ही है। सर हमने इसमें सारे प्रिंसिपल्स ले लिए तो हमें ज्यादा प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है, तो अगर हम
सिर्फ वही प्रिंसिपल्स लेते जो एक्चुअली हमारे डेटा सेट में होते तो कम नहीं था प्रोसेसिंग। अरे यार तो मैं अभी यहाँ पर तो छोटा सा डेटा सेट है ना, अगर डेटा सेट बड़ा होगा तो आप क्या एक एक को पहले मार्क करेंगे कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। और फिर मसला ये है कि चलो ठीक है ट्रेनिंग में तो काम हो जाएगा, अगर रन टाइम के ऊपर किसी ने प्रिडिक्शन में कोई करेक्टर डाल दिया जो आपके डेटा सेट में है ही नहीं तो फिर क्या होगा। तो इसलिए एवरी पॉसिबल करेक्टर जो है वो लेना पड़ता, क्योंकि जब प्रिडिक्शन कोई करा रहा होगा कोई आपके मॉडल को इनपुट दे रहा होगा बाहर से बैठ के तो फिर वो तो डाल सकता है ना। Exactly. अच्छा यहाँ पर टोकनाइजर की लाइब्रेरी इस्तेमाल कर ली, ठीक है ये बनी बनाई लाइब्रेरी, ये सारा काम करना नहीं पड़ेगा कुछ भी जो भी हमने किया है, टोकनाइजर इस्तेमाल करेंगे। टोकनाइजर को आपने बता दिया नंबर्स 1000, नंबर्स 1000 क्या होते हैं ये हमने पीछे भी सीख कर आए हैं, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वर्ड्स होते हैं आपके डेटा के अंदर, ठीक है क्योंकि टोकनाइजर जो है वो अपनी पूरी लाइब्रेरी इस्तेमाल करेगा तो हमने कहा भी 1000 तक की ले लेना। टोकनाइजर को अपने डेटा के ऊपर फिट कराना है, फिट के बाद आपने टोकनाइजर की सीक्वेंस बना देनी है ताकि सीक्वेंस में आपका डेटा आ जाए, और उसके बाद टोकनाइजर को मैट्रिक्स बना देना है यानी कि आपका जो सैंपल है वो आपके वन हॉट की फॉर्म में मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर आ जाए, मूड जो है उसका बाइनरी होगा जारे 1-0 पे होगा। टोकनाइजर के वर्ड इंडेक्स गेट करेंगे, वर्ड इंडेक्स आपको मिल जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ा, आपको सिर्फ चीजें दी हैं और आपने आखिर में वन हॉट इनकोड और उसका वर्ड इंडेक्स जो है वो गेट कर लिया, आपके पास सारी चीजें जो है वो बनी बनाई जो है वो मिल जाएंगी। सर यहाँ सैंपल्स की जगह अगर कोई टेक्स्ट फाइल हम इनपुट करें तो ये उसके लिए भी इक्वली गुड है कोड? टेक्स्ट फाइल नहीं, टेक्स्ट फाइल्स को रीड करा के अभी हम, हाँ ज्यादा डेटा होगा अभी हम, क्योंकि हमने IMDB वाली एग्जांपल करनी है बिल्कुल स्क्रैच से करनी है, जहाँ हमारे पास डेटा टेक्स्ट फाइल का ही सारा IMDB रिव्यू जो है टेक्स्ट 12,500 टेक्स्ट फाइल्स होंगी पॉजिटिव, 12,500 टेक्स्ट फाइल होंगी नेगेटिव, क्योंकि मैंने कहा कि हमने जो पहले एग्जांपल की थी उसके अंदर हमारे सब काम हुआ हुआ मिल गया था तो हमें पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। तो अब हम उस टेक्स्ट फाइल को लेंगे बाकायदा पार्सिंग करेंगे उसकी, उसको रीड कराएंगे, लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे अपने टेक्स्ट फाइल को रीड जिस तरह हम कराते रहे ओपन के फंक्शन से, यहाँ लेकर आएंगे अपनी नोटबुक के अंदर लिस्ट की फॉर्म में और फिर उसको पार्स करेंगे और सारी चीजें करेंगे, तो पूरा जो है ना वो कंप्लीट प्रोसीजर जो है यहाँ हम करना सीखेंगे, क्योंकि वो इनिशियल एग्जांपल थी तो डायरेक्ट हमारे पास जो है वो हो गई। ये एक और तरीका होता है हैशिंग ट्रिक का, जिसके अंदर आप वन आउट इनकोड करते हैं, इसके अंदर बस एक यहाँ पर एक छोटा सा चेंज है कि ये जितने डायमेंशनल आपको बनाना पड़ता है उससे जो है वो उसका डिवीजन करके रिटर्न साइज निकालते रहते हैं, जरूरत नहीं पड़ती। समझ नहीं आया क्या मतलब इसका, छोड़ दें इसको। अगली चीज हमारे पास है वर्ड एम्बेडिंग्स, ठीक है ये वर्ड एम्बेडिंग जो है ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है बड़े डेटा को वन हॉट इनकोड करने के लिए। गूगल ट्रांसलेटर यही यूज करता है? यही यूज करता है और फायदा क्या है इसका अभी देखते हैं, है थोड़ा समझ में नहीं आएगा शायद आपके, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंशाल्लाह आप समझ सकेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा इसके अंदर जो है ना जरा कॉन्सेप्ट जुड़ा, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, टर्मिनोलॉजी ज्यादा है। नहीं टर्मिनोलॉजी नहीं, ये इसके अंदर जो है ना वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को जो है ना वो ज्योमेट्रिकल प्लेन के ऊपर जो है ना वो आपकी स्ट्रिंग इंटरप्रिटेशन को जो है ना मैप किया जाता है। अब क्योंकि यहाँ पर इतना एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है ना, सिर्फ हल्की सी बात बताइए, तो बेसिकली इसका जो एल्गोरिदम है वो बड़ा ही डिफरेंट है, देख तो सकते हैं थोड़ा बहुत और जी। ये वेक्टराइज नहीं कर रहा होता? नहीं ये वेक्टराइज कर रहा होता है, लेकिन ये किस तरह कर रहा होता है बताता हूँ मैं आपको, पढ़ लेते हैं सर मैं थोड़ा आइडिया। हाँ तो एक और पावरफुल वेक्टर एसोसिएशन का तरीका है वर्ड एम्बेडिंग या वर्ड वेक्टर्स भी कहलाता है, और बाइनरी होते हैं, स्पार्स होते हैं, मोस्टली मेड ऑफ जीरो, अच्छा नहीं ये वन हॉट इनकोड जो है वो हमारे पास बाइनरी होता है
और स्पार्स होता है यानी ज्यादा जीरो होते हैं, और बहुत हाई डायमेंशनल होता है कौन सा वाला, वन ऑर्डर इनकोडिंग। सोचिए अगर आपके पास, मैं आपको एक किताब दे रहा हूँ, एक मॉडल को पूरी किताब फीड कर रहा हूँ पीडीएफ की फॉर्म में रीड करने के लिए, और उससे कह रहा हूँ कि भाई मुझे बताओ कि इस किताब का टाइटल जो है प्रिडिक्ट करो क्या होना चाहिए, या ये आर्टिकल है इसका टाइटल जो है ना प्रिडिक्ट करें क्या होना चाहिए। अब उसके अंदर जो है देयर इज अ ह्यूज वोकैबुलरी, तो उसको कितने बड़े एक एक वर्ड के लिए कितना बड़ा वेक्टर जो है बनाना पड़ेगा। अगर 2500, 3000, 20000, 40000 के करीब वर्ड्स हैं उसके अंदर यूनिक, तो फिर आप सोच सकते हैं कि वो एक वर्ड दा के लिए 20000 डायमेंशनल वेक्टर बनाएगा, तो भी बहुत ज्यादा हाई डायमेंशनल होता है। यस सर। तो वर्ड एम्बेडिंग्स आर लो डायमेंशनल फ्लोटिंग पॉइंट वेक्टर्स, ये लो डायमेंशनल होते हैं, स्पार्स नहीं होते, अपोस्ट स्पार्स यानी ज्यादा जीरो नहीं होते। अनलाइक द वर्ड वेक्टर्स ऑब्टेन्ड वाया वन एन्कोडिंग, वर्ड एम्बेडिंग्स आर लर्न फ्रॉम डेटा। हाँ, ये बड़ी एक जबरदस्त बात यह है कि ये लर्निंग होती है इसकी भी, जैसे हमारा मॉडल लर्न करता है ना, वैसे ही एम्बेडिंग भी लर्न कराई जाती है। और जिस तरह हमने प्री ट्रेंड नेटवर्क इस्तेमाल किया था, हम प्री ट्रेंड वर्ड एम्बेडिंग भी इस्तेमाल करेंगे कि हमें वहां या तो एम्बेडिंग की लेयर लगा दें जिससे वो लर्निंग करें, या फिर प्री ट्रेंड एम्बेडिंग यूज कर लें। देखते हैं, इट्स कॉमन टू सी वर्ड एम्बेडिंग दैट आर 256 डायमेंशनल, 512 डायमेंशनल, 1024 डायमेंशनल। अगर वर्ड एम्बेडिंग देखें तो वो मैक्सिमम इतनी डायमेंशन तक जाती है, जबकि यही चीज अगर हम वन ऑर्डर एनकोड पे करें तो दिस बिकम 20,000 डायमेंशनल और ग्रेटर। ठीक है, कैप्चरिंग अ वोकैबुलरी ऑफ 20,000 टोकंस, अगर 20,000 टोकंस हैं तो डायमेंशन 20,000 डायमेंशनल हो गई, तो ये इतना रिड्यूस कर देता है। होता ही है कि ये पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा देखें समझ में आएगा कि भाई इसमें एक ही आपके पास वन है, बाकी सब जीरो चल रहा है, जबकि वर्ड एम्बेडिंग के अंदर जो है वो डेंस है, बहुत सारे वेक्टर्स जो हैं वो एक जगह मौजूद हैं, एक दूसरे को मैप कर रहे हैं, एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, सिंगुलर्स जो हैं प्लूरल्स को डिफाइन कर रहे हैं, प्लूरल सिंगुलर को डिफाइन कर रहे हैं, एक जैसी जो नेचर के चीजें हैं वो एक ही वेक्टर को पॉइंट कर रही हैं। ठीक है, यानी जिस तरह हम आप चेयर के लिए एक वर्ड है चेयर, उसके लिए वेक्टर बना रहा हूँ, और एक वर्ड है टेबल, उसके लिए वेक्टर बना रहा हूँ। अब ये सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक फर्नीचर नामी वेक्टर बना दिया, उसके अंदर वो सारी चीजें आ गई। तो इस तरह ये कॉम्बिनेशन से जो है ना काम कर रहा होता है, मैपिंग कर रहा होता है, और डायमेंशन इसकी जो है वो रिड्यूस हो जाती हैं, और ये लर्निंग भी करता जाता है, जैसा डेटा होता है उस तरह से ये जो है ना एम्बेडिंग जो है वो डेटा में से लर्न होती जाती है। यहाँ ये दोनों बातें इन्होंने लिखी हैं, देयर आर टू वेज टू ऑब्टेन वर्ड एम्बेडिंग। पहली वे क्या है, लर्न वर्ड एम्बेडिंग ज्वाइंटली विद द मेन टास्क यू केयर अबाउट, कि जो काम आप कर रहे हैं उस टास्क से के डेटा के साथ ही आप जो है ना एम्बेडिंग को भी लर्न कराएं। इन दिस सेटअप यू स्टार्ट विद रैंडम वर्ड वेक्टर्स एंड देन लर्न वर्ड वेक्टर्स इन द सेम वे यू लर्न द वेट्स ऑफ द न्यूरल नेटवर्क। जिस तरह आप न्यूरल नेटवर्क के वेट्स लर्न कराते हैं उसी तरह आप ये काम जो है वो करते रहते हैं। तीसरा तरीका क्या है, लोड इन टू योर मॉडल वर्ड एम्बेडिंग्स दैट आर प्री कंप्यूटेड यूजिंग डिफरेंट मशीन लर्निंग टास्क। प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग जो इस्तेमाल करें, जो किसी और ने ट्रेन की हुई है और उसने वोकैबुलरी जो है, वही बात है कि बहुत ह्यूज वोकैबुलरी के ऊपर जो है ना पूरी डिक्शनरी के ऊपर ही ट्रेन कर लिया, पूरी डिक्शनरी के ऊपर, तो अब वो आपके काम तो आ सकती है, आपके तो सारे वर्ड उसके अंदर जो है ना वो कवर हो जाएंगे, लिहाजा हम जो है वो प्री ट्रेन वर्ड एम्बेडिंग का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ज्यादातर जो है वो यही काम हो रहा होगा, प्री ट्रेन जो है ना कर रहे होते हैं। तो लर्निंग वर्ड एम्बेडिंग विद द एम्बेडिंग लेयर, के वर्ड एम्बेडिंग की लर्निंग होती है एम्बेडिंग के साथ। तो सिंपलेस्ट वे विद अ वर्ड टू चूज अ वेक्टर एट रैंडम, द प्रॉब्लम विद दिस अप्रोच इज दैट रिजल्टिंग एम्बेडिंग स्पेस हैज नो स्ट्रक्चर। कि अगर रैंडमली एक एक वेक्टर जो है ना सबको लगाते जाए, रैंडमली का मतलब एक वेक्टर उठाया, साइज ऑफ वोकैबुलरी देख लिया और जहां दिल चाहे वन लगा के उसको पकड़ा दिया, तो स्ट्रक्चर जो है वो नहीं आएगा,
जिस तरह हम यहाँ पर देख रहे थे इनकोड करते हुए कि हमारा स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर जो है वो चल रहा है कि यार एक लाइन से हमें कुछ समझ में आ रही है। रैंडम वेक्टर में कहीं पर भी जो है ना मामला जो है वो किसी तरह भी जो है वो चल रहे होते हैं। अच्छा उसके बाद अब ये यहाँ कहते हैं कि टू गेट अ बिट मोर एब्स्ट्रैक्ट द ज्योमेट्रिक रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड वेक्टर्स शुड रिफ्लेक्ट द सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन दीज वर्ड्स। कि ज्योमेट्रिकल रिलेशनशिप और सिमेंटिक रिलेशनशिप जो है वो दोनों जो है रिफ्लेक्ट होने चाहिए। Word embeddings are mean to map human language into geometric space. अब human language जो है वो geometric space के ऊपर map कराना, जिस तरह मैंने भी आपको मिसालें दी हैं कि for instance in a reasonable embedding speed you would expect synonyms to be embedded into similar word vectors. जो synonyms हैं, similar words हैं उनके, वो एक ही word के अंदर आने चाहिए, हर एक के लिए अलग नहीं बनना चाहिए, ठीक है। Singulars और plurals हैं वो एक ही word में आने चाहिए। तो यू वुड एक्सपेक्ट ज्योमेट्रिक डिस्टेंस एल टू डिस्टेंस बिटवीन एनी टू वर्ड वेक्टर टू रिलेट द सिमेंटिक डिस्टेंस बिटवीन एसोसिएटेड वेक्टर्स। अब ये एल टू डिस्टेंस और ये थोड़ा सा कहानी इसकी अलग है। यहाँ कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फोर वर्ड्स आर एम्बेडेड इन अ 2D प्लेन, कैट, डॉग, वुल्फ एंड टाइगर। So with the vector representation we choose here, some semantic relationship between these words can be encoded as geometric transformations. For instance, the same vector allows us to go from cat to tiger. Kabhi cat se tiger ki taraf ek vector ja raha hai. For example, ye vector hai pet to wild animal. Pet to wild animal. Dog or cat jo pet mein chale jayenge, wolf or tiger. वाइल्ड में चला जाएगा। अब यहाँ अगर मैं वेक्टर बना रहा हूँ, यहाँ अगर मैं वेक्टर बना रहा हूँ कैट टू टाइगर, तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा? ये वेक्टर कहलाएगा भाई पेट टू वाइल्ड एनिमल, और ये वेक्टर कहलाएगा वाइल्ड टू वाइल्ड एनिमल, और ये वेक्टर कहलाएगा पेट टू पेट एनिमल, ठीक है। तो अब इसका एक वेक्टर बना होगा ना, इसके अंदर कोई सा भी ऐसा कॉम्बिनेशन होगा उसके लिए यही वेक्टर इस्तेमाल हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर। तो इससे भी वो कम हो जाएगी डायमेंशन जो कम हो जाएगी। द सेम वेक्टर अलाउस अस टू गो फ्रॉम कैट टू टाइगर एंड फ्रॉम डॉग टू वुल्फ। दिस वेक्टर कुड बी इंटरप्रेटेड एज फ्रॉम पेट टू वाइल्ड एनिमल्स। सिमिलरली अनदर वेक्टर लेट अस गो फ्रॉम डॉग टू कैट and wolf to tiger, which would be interpreted as from canine to feline. Canine to feline vector. Canine feline समझते हैं? वो नौके लिए दांत क्या कहते हैं उनको? Yes sir, yes. कुछ इस तरह के। तो in the real world embedding space, common examples mean gender vectors हैं, उनके plural vectors हैं, female है, male female है, जैसे king का एक vector है, तब queen का vector जो है ना, वो similar होगा, उसी family का है। Yes sir. ठीक है, तो कुछ ये सारी चीजें चल रही होती हैं। थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करिएगा टाइम निकाल के, यूट्यूब वगैरह पे कॉन्सेप्ट थोड़ा इसका बन जाए। करना क्या होता है, हमें करना बड़ा सिंपल काम है। हम एम्बेडिंग को इंपोर्ट करेंगे, एम्बेडिंग की साइज और उसकी डायमेंशन जो है बता देंगे, अभी 1000 रॉज एंड 64 कॉलम्स की बैडिंग है, ये एक लेयर बना ली। इस लेयर को हम अपने मॉडल की लेयर के अंदर इम्बेड कर देंगे, ठीक है। ये द इम्बेडिंग लेयर टेक्स एट लीस्ट 2 आर्गुमेंट्स, द नंबर ऑफ पॉसिबल टोकन्स, कितने टोकन है अभी 1000 टोकन बता दिए, ठीक है। 1+ मैक्सिमम वर्ड इंडेक्स एंड द डायमेंशनलिटी ऑफ द इम्बेडिंग हेयर 64, कितने डायमेंशनल बनेगा, यानी उसके अंदर जो है कितने 64 डायमेंशंस की वो बनेगी। 64 डायमेंशंस जी हां, डायमेंशन मींस। अच्छा किसी ने हाथ उठाया है जी, हमात सर, ये डीप लर्निंग डॉट एआई के एनएलपी के कोई कोर्सेस हैं इसमें जो यूट्यूब पे अवेलेबल हो? अबे यार ये सवाल अभी दरमियान में कहां बनता है बच्चे, हैंगे वैसे CNN के मिले थे तो इसलिए मैं पूछ रहा था, मैंने कहा इसके मोटे। अच्छा, मुझे लगा अभी टॉपिक से हवाले से सवाल होगा। खैर मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। अच्छा चलिए,
अच्छा तो द एम्बेडिंग लेयर इज बेस्ट अंडरस्टूड एज अ डिक्शनरी, ये डिक्शनरी के तौर पे काम करती है, दैट मैप्स इंटीजर इंडाइसेस टू डेंस वेक्टर्स वर्ड इंडेक्स टू। बता दीजिएगा प्लीज क्या ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, कहीं से नहीं दे रहे हैं, अभी आप यहाँ कुछ भी ले लेंगे, ठीक है। तो वर्ड इंडेक्स आता है, वर्ड इंडेक्स में कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, एम्बेडिंग लेयर जो है उस न्यूमेरिक नंबर को बहुत सारे जो वेक्टर्स उन्हें बनाए हुए होते हैं किसी एक वेक्टर के साथ ले जाके कनेक्ट कर देगी। हो सकता है दूसरा भी इंडेक्स आए तो वो भी उसी वेक्टर से कनेक्ट हो जाए, हो सकता है कि 100-150 इंडेक्सेस जो है वो एक ही वेक्टर को कनेक्ट कर रहे होंगे। तो इस तरह से जो है ये डेंस हो जाता है, और मैंने बताया ना कि आपको ये बहुत सारी चीजों का एक कंबाइंड वेक्टर जो है वो बना लेता है जिसपे काम जो है वो कर रहा होता है। तो एम्बेडिंग लेयर टेक्स एज इनपुट अ 2D टेंसर ऑफ इंटीजर्स शेप सैंपल और सीक्वेंस लेंथ, उसके पास जो इनपुट आएगा वो डेटा आएगा और सीक्वेंस की लेंथ आएगी, यानी कितना बड़ा सीक्वेंस है, यानी डायमेंशनलिटी आएगी। इट कैन बी एम्बेड, फॉर इंस्टेंस यू कुड फीड इन टू एम्बेडिंग लेयर इन द प्रीवियस एग्जाम्पल बैचेस, ये हमने डाल दिया 32-10 बैच ऑफ 32 सीक्वेंसेस, यानी 32 रिकॉर्ड्स हैं और हर रिकॉर्ड के अंदर वर्ड जो है वो 10 है, या 64 रिकॉर्ड हैं 15 वर्ड्स हैं। तो All sequences in a batch must have the same length. अच्छा ये एक important बात है कि हर batch के अंदर, पूरे data की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आप batch processing कर रहे हैं तो at least एक batch की जो length है वो same होनी चाहिए, ठीक है ना। पूरा ही same हो, पूरा data same हो तो क्या ये अच्छी बात है, लेकिन आप batch level पे भी काम करें तो batch की length जो है वो, जैसे ये एक batch है, batch of 32 sequence of length, अब ये इस बैच में अगर 132 रिकॉर्ड्स हैं तो हर एक की लेंथ जो है वो कितनी है, सबकी 10th। अगला बैच उसी डेटा के हम भेज रहे हैं, उसके अंदर 64 सीक्वेंसेस हैं और 15 की लेंथ, तो एक बैच जो है वो पूरा कंप्लीट जो है ना सेम लेंथ का होना चाहिए। तो दिस रिटर्न्स अ 3D फ्लोटिंग पॉइंट टेंसर ऑफ शेप सिंपल, सैंपल्स रिटर्न करेगा, सीक्वेंस की लेंथ रिटर्न करेगा और एम्बेडिंग डायमेंशनलिटी जो है वो हमें इसके बदले में जो मिलेगी, और फिर हम इसको जो है वो RNN या convolutional layer से जो है वो अपने मॉडल में प्रोसेस जो है वो कर लेंगे। अब इसको करके देखते हैं, ठीक है। कहते हैं let's apply this idea to the IMDb movie review sentiment prediction task that you already familiar with. First you will quickly prepare data. You will restrict the movie reviews to the top 10,000 most common words. देखें 10,000 reviews जो हैं मोस्ट कॉमन वर्ड जो है रिटेन करने, एज यू डिड फर्स्ट टाइम यू वर्क इन द डेटा सेट, कट ऑफ रिव्यूज आफ्टर 20 वर्ड्स, मैक्सिमम लेंथ कितनी बता दी हमने 20 वर्ड्स की बता दी है, जिस तरह हमने पीछे 10 कहा था मैक्सिमम लेंथ में, यहाँ हमने बता दिया उसको कि ये कितने होंगे 20 वर्ड्स होंगे। द नेटवर्क विल लर्न 8 डायमेंशनल एम्बेडिंग for each of the 10,000 word, ये हम खुद 20 words का meaning है कि एक जो review होगा वो 20 words से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर ज़्यादा होगा तो cut off कर देगा, कम होगा तो pad कर देगा, ज़्यादा होगा तो drop कर देगा, आगे के word drop कर देगा। और हमने यहाँ embedding जो है वो खुद define कर दी है कि भाई ये 8 dimensional embedding run कर learn करेगा, हर एक वर्ड के लिए उन जो 10,000 वर्ड है उनमें से हर एक वर्ड के लिए जो एम्बेडिंग होगी वो 8 डायमेंशनल, यानी एम्बेडिंग वेक्टर 8 कॉलम्स का होगा, ठीक है। टर्न द इनपुट इंटीजर सीक्वेंस 2D टेंसर इनटू एम्बेडिंग सीक्वेंस 3D फ्लोट
2D से वो 3D हमें रिटर्न करेगा, फ्लैट करेंगे हम 2D टेंसर को और डेंस लेयर पे जो है वो क्लासिफाई कराएंगे। अच्छा अभी अब चेक करते हैं, चलते हैं आगे। अब क्या किया अभी, लोडिंग IMDB डेटा फॉर यूज विद एन एम्बेडिंग लेयर, ये अपने काम किया हुआ है। सर हम ये कैसे डिफाइन करेंगे कि हम 8 डायमेंशनल लें या 16 डायमेंशनल लें, 32 डायमेंशनल, ये किस तरह डिफाइन करेंगे? ये क्योंकि आप लर्निंग करा रहे हैं, अगर आपके रिजल्ट सही नहीं आएंगे तो ये डायमेंशन आप बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ से ये डायमेंशन बढ़ा दें, यहाँ से वर्ड्स की जो रिव्यू की लेंथ है उसको भी बढ़ा दें। यानी कि ये आर्बिट्री ले रहे हैं हम? हाँ हाँ आर्बिट्री, एक फॉर्मूला नहीं है कोई इसका कैलकुलेटेड। मैक्सिमम फीचर्स बता दिए 10,000, ठीक है, ये वही है जो मोस्ट अकरिंग 10,000 वर्ड्स, जो फ्रीक्वेंसी जिनकी सबसे ज्यादा है वो आ जाएंगे। मैक्सिमम लेंथ हमने बता दी 20। अच्छा IMDB लोड डेटा, यहाँ पर वही 10,000 वर्ड्स, ट्रेंड डेटा, टेस्ट डेटा, ट्रेंड लेबल, टेस्ट लेबल सब आ गए। क्या किया अभी, प्री प्रोसेसिंग डॉट सिक्वेंस डॉट पैड सिक्वेंस एक्स ट्रेन, ट्रेन डेटा को पैड कर दो, कितना पैड कर दो, मैक्सिमम लेंथ यानी 20 तक, जितना भी डेटा आया है सबको 20 तक महदूद कर दिया जाए, टेस्ट डेटा को भी 20 तक महदूद कर दिया जाए, बड़ा है तो आगे के वर्ड्स ड्रॉप कर दिए जाएं, छोटा होगा तो असाइन कर देगा। यूजिंग एम्बेडिंग लेयर एंड क्लासिफायर ऑन द IMDB डेटा सेट, क्या करना है जी, सिक्वेंशियल मॉडल, फ्लैट, क्रैश, जेंस सब लिया, मॉडल बनाया, क्या एम्बेड कर दिया, सिंपली आपने क्या करना है, मॉडल डॉट एड एम्बेडिंग 10,000, 8, इनपुट क्या है उसकी, मैक्सिमम लेंथ, ठीक है, यहां से डेटा इनपुट होगा और ये आपके पास जो है वो इतने डायमेंशनल जो है ये रिटर्न हो जाएगा, बस इतना काम करना। जितनी आप कहानी एम्बेडिंग की पढ़ रहे हैं वो सब इससे हैंडल हो जानी है। 10,000 आपके यूनिक वर्ड्स हैं, 8 उसकी डायमेंशनलिटी है और इनपुट की लेंथ कितनी है हमने बता दिया अभी, 20 से ज्यादा नहीं होगी। ये 3D आएगा, 3D को हमने फाइनली फ्लैट करना है क्योंकि डेंस लेयर को पास करना है और डेंस लेयर में हमने जो है वो सिंगल न्यूरॉन का एक आउटपुट जनरेट कर दिया है, बाइनरी है इसलिए सिग्मोइड लगाया हुआ है, मॉडल को कंपाइल कराया, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी एक्यूरेसी निकाली, समरी किया, आखिर में फिट कराया, रिजल्टेंट जो है वो कितनी परसेंट आ रही है, 76% जो है वो आपके पास वैलिडेशन एक्यूरेसी आएगी। ये कम आ रही है, क्यों कम आ रही है, क्योंकि हमने वर्ड लेयर भी हमने एक सिंपल सी यूज करी है, उसके अलावा हमने जो वर्ड्स हैं वो भी बहुत कम लिए हैं और सिर्फ एक लेयर जो है वो डेंसिटी लगाई, ठीक है। तो बट नोट दैट मेयरली फ्लैटिंग द एम्बेडेड सीक्वेंस एंड ट्रेनिंग अ सिंगल डेंस लेयर ऑन द टॉप लोड्स लीड्स टू अ मॉडल दैट ट्रीट्स ईच वर्ड इन द इनपुट सीक्वेंस सेपरेटली। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इस वक्त जो काम हो रहा है वो क्या हो रहा है, टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर, कि एम्बेडिंग का हर वर्ड जो है वो सेपरेट ट्रीट हो रहा है, एम्बेडेड सीक्वेंस का हर वर्ड जो है वो सेपरेट ट्रीट हो रहा है विदाउट कंसिडरिंग इंटर वर्ड रिलेशनशिप एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब जहां मैंने सेंटेंस लिखा था, ठीक है, ये जा तो पूरा रहा है, समझिएगा इस बात को, ये एज अ सीक्वेंस मॉडल में ये पूरा फीड हो रहा है, ठीक है, बट मॉडल जो इसको प्रोसेस कर रहा है वो एक एक वर्ड को अलग अलग प्रोसेस कर रहा है, यानी अंडरस्टैंडिंग जो है वो हर एक वर्ड की अलग अलग जो है वो हो रही है। अब अलग अलग में अगर उसे कोई एक वर्ड भी, जैसे ये वर्ड स्ट्रेंज उसे मिल गया, इसकी बिहाफ पे उसने डिसाइड कर लेना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पूरे रिव्यू में क्या चल रहा है, ये स्ट्रेंज
किस मानों में इस्तेमाल हुआ है, कोई गर्ज जो है वो नहीं है। ठीक है, लेट्स लाइक इन्होंने एक एग्जांपल आके दिया है। फॉर एग्जांपल दिस मॉडल वुड लाइकली ट्रीट बोथ, ये जो वर्ड है दिस मूवी इज अ बॉम्ब, ये एक सेंटेंस है एंड दिस मूवी इज द बॉम्ब, ये दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, ये इन दोनों सेंटेंस को जो है वो नेगेटिव रिव्यूज में शामिल करता है, जबकि इनमें से एक जो है वो पॉजिटिव रिव्यू है, दिस मूवी इज अ बॉम्ब। लेकिन इस एक वर्ड की वजह से, क्योंकि हर वर्ड का एक वेक्टर बना हुआ है, ये बम का वेक्टर जो है बना हुआ है, तो वो उस वेक्टर को अगर उसने क्लासिफाई करना है नेगेटिव में, तो फिर इसी की वजह से ये भी जो है वो सेंटेंस नेगेटिव हो रहा है। इट इज मच बेटर टू एड रिकरेंट लेयर्स और 1D कन्वर्जन ऑन द टॉप ऑफ द एम्बेडेड सीक्वेंस, ज्यादा बेहतर है कि आप अब जो है वो क्योंकि हमने डेंस लेयर इस्तेमाल किया ना, पीछे भी जो हमने एग्जाम्पल की थी डेंस लेयर से की थी, तो वहां पर भी जो हमारे पास एक्यूरेसी कम आने की वजह जो है वो बहुत सारे केसेस में वो यही है कि हम इंटरकनेक्शन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द वर्ड्स जो है वो हम नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, हम पूरा सीक्वेंस एक बार में प्रोसेस कर रहे थे और उस प्रोसेस में उसको एक भी चीज जो है वो नेगेटिव वाली नजर आती वो उसको नेगेटिव जो है वो बना देता। तो दैट्स व्हाट वी विल फोकस ऑन द नेक्स्ट फ्यू सेक्शंस। अब अगले चंद सेक्शंस के अंदर जो है वो हम यही जो है वो करने वाले हैं। अच्छा सर, वो सिमेंटिक हम कहाँ डिफाइन करेंगे, क्योंकि एक्चुअली मेन इसके अंदर सारी गेम है सिमेंटिक की, कि आप वो सिमेंटिक डिफाइन हम नहीं करेंगे, वो सिमेंटिक रिकरेंट जो है और 1D कन्वोल्यूशन जो है वो खुद ही सिमेंटिक्स को हैंडल कर लेगा, इसीलिए इस तरफ आएंगे। डेंस नहीं, पॉइंट ये है कि जब मल्टीपल सिमेंटिक्स हैं, जैसे हमने वो फिलाइन टू जो है कैनाइन देखा कि कैट टू जो है ना वो डॉग वाला है, डॉग टू कैट वाला है, और इस तरह से हमने ये देखा कि जो पेट से जो है ना वाइल्ड, अब पेट टू वाइल्ड एक अलग सिमेंटिक है, एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और जब फिलाइन टू कैनाइन जा रहे हैं वो एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ये जो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यही एक्चुअली सिमेंटिक है ना, तो ये जो डिफरेंट सेट ऑफ सिमेंटिक्स हैं, तो वो अब क्या हम यानी कि हमारा हम कौन सा उसे, जैसे हम पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो वो कैसे देखेगा कि इसको की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है कि मेरा सिमेंटिक ये हो कि मैं टेररिस्ट हूँ, तो मैंने ट्रेन कर रहा हूँ, तो मैं इसे चाह रहा हूँ कि ये जो है ना बम वाली चीजों को देखे और इस तो इसको उस तरीके से लेके जाए, तो फिर उस सिमेंटिक का जो चेंज है वो हम कहाँ एज अ मतलब प्रोग्रामर या मतलब एज अ डिजाइनर ऑफ दिस मॉडल के नहीं नहीं हम हमारा कंट्रोल जो है ना वो एल्गोरिथमिक लेवल पे है नहीं, क्योंकि हमने इस पूरे प्रोसेस के अंदर देखा कि जो एम्बेडिंग लेयर है वो खुद ही हमारे डेटा के अंदर से जो है ना उसकी लर्निंग कर रही है, उसने जो भी मैपिंग करनी है, जो भी सेमांटिक्स बनाने हैं वो सारे। एक्चुअली ये एक क्वेश्चन सर इसलिए अराइज हुआ कि जैसे एक जो रेगुलर प्रोग्रामर माइंडसेट है वो क्या होता है, वो ये होता है जो पर्टिकुलर चीज चाहिए उसको हम कंडीशन लगा लेते हैं, समझ रहे हैं ना, यानी कि हम इस तरह से सेमांटिक अपना जनरेट उसके अंदर एम्बेड कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर डाल रहे होते हैं कि ओके ये यस वाला वर्ड हो तो ओके ये पॉजिटिव है, ठीक है पॉजिटिव वाला हो तो ये भी पॉजिटिव है, फर्ज करें ये इस तरह से कर रहे होते हैं, तो यानी कि अपना सिमेंटिक उसके अंदर खुद फिट कर रहे होते हैं कि मुझे ये चाहिए, ये मेरा सिमेंटिक है, मेरा ये पर्सपेक्टिव है, तो यही जाने वाला कि ये इससे हम वो कैसे जो डिफरेंट वो बता तो रहा है उसने, उसमें कहानी बताई है जो हमने अभी पढ़ी हुई है, तो लेकिन ये कि अगर वो पर्सपेक्टिव एक ही मॉडल से वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेना चाह रहा है तो कैसे वो होगा। नहीं एक्चुअली दैट इज इसमें हां इसके अंदर दो मुझे जितनी बात आपकी समझ में आई है जो आप जानना चाह रहे हैं उसमें आप एक लाइन हमें ड्रा करनी पड़ेगी, एक पोर्शन है एम्बेडिंग की ट्रेनिंग का और एक पोर्शन है मॉडल की ट्रेनिंग का, आपने एम्बेडिंग की ट्रेनिंग और मॉडल की ट्रेनिंग को कंबाइन कर दिया, जो एम्बेडिंग की लेयर है ना वो एम्बेड के सिर्फ वेक्टर्स पे ट्रेन हो रही है कि किस वर्ड को कौन सा वेक्टर जो है ना असाइन करना। अच्छा वो जो हमारा पर्सपेक्टिव है ना कि भाई ये पर्सपेक्टिव पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, ये काम तो हमारे मॉडल का है, मेरी बात समझे, वो मॉडल लेवल का काम है,
एम्बेडिंग के अंदर जो वेक्टराइजेशन करनी है कि किस वर्ड को क्या वेक्टर असाइन करना है, वो सेक्शन तो एम्बेडिंग का है, उस वेक्टर को बाद में प्रोसेस करेंगे जब, तो जाहिर है फिर हम उसकी लेबल दे रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में, ऐसा नहीं सर, इधर हम ये करें। देखिए एम्बेडिंग ही एक्चुअली हमारा पर्सपेक्टिव बना रही है। अब जब हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वर्ड्स को एक ग्रुप बना रहे हैं ना, उसकी एक फैमिली बना रहे हैं, तो उस वक्त ही वो उधर ही हम डाल रहे हैं जब हम एम्बेडिंग कर रहे हैं। नहीं, लेकिन हाँ, लेकिन हम उस वेक्टर को ये तो नहीं कह रहे ना कि वो पॉजिटिव वेक्टर है या नेगेटिव वेक्टर है, ये तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब हम अपना लेबल देंगे अपने डेटा के साथ, जब वो एसोसिएट करेगा तब उसको पता चलेगा कि ये वेक्टर जो है पॉजिटिव कैटेगरी के अंदर मैप हो रहा है। यानी खुद लर्न करेगा। हाँ, तो हम तो वहां से, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना, दो चीजें एक साथ कंबाइन हो गई, दो ट्रेनिंग कंबाइन हो गई। एक ट्रेनिंग में सिर्फ वेक्टर एसोसिएशन है एम्बेडिंग की ट्रेनिंग में, जो हमारे असल में ना सवाल, हम पहला सवाल असल में हम थे सिमेंटिक पे, प्रॉब्लम क्या थी सिमेंटिक पे, कि जब वो किस सिमेंटिक के ऊपर एम्बेडिंग कर रहा है। एक्चुअली जब एम्बेडिंग ही जो अगर कहेगा कि जी वाइल्ड एनिमल्स, तो उसने वुल्फ और टाइगर को इकट्ठा कर देना है, ठीक है, ये वाइल्ड वाला, ये जब ये सिमेंटिक हम उसे करवा रहे हैं, जब उसको सेपरेट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो ही मतलब वो वाइल्ड वाला आएगा तो वो उस ग्रुप को पूरे को उठा के ले आएगा कि ये वुल्फ भी होता है, ये भी होता है, वो तो मॉडल कर देगा। तो एक्चुअली मेरा पॉइंट ये था कि जब हम जब ग्रुपिंग ही वाइल्ड के लिए, वाइल्ड वाले में ये नहीं आएगा, लेकिन जब हम कर रहे हैं कैट टू जो है, जो पेट टू जो है वाइल्ड, उसमें क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएंगे, ये जी ये पेट हैं और ये वाइल्ड हैं, ठीक है, ये पर्सपेक्टिव। तो ये पर्सपेक्टिव जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये हम कहाँ ये, क्योंकि इसके बाद मॉडल ने तो उठा के वो दे देना है, सिंपल ये। एक्चुअली ये पर्सपेक्टिव बिल्डिंग जो है, दैट इज जो है ना इज की थिंग फॉर मी, मतलब जो मेरे क्वेश्चन में ये है, जो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर मैं कुछ कमेंट करूँ? जी जी बोले बोले। सर स्टार्ट क्वेश्चन इनका यहाँ से हुआ था ना कि बॉम्ब को वो नेगेटिव ही क्यों ले रहे हैं, अगर मैं टेररिस्ट माइंडेड बंदा हूँ तो बॉम्ब को मैं चाहता हूँ कि वो पॉजिटिव ले। तो एट द एंड ट्रेनिंग में जब हमने ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो कोई लेबल भी तो साथ दिया हुआ है ना, तो दिस मूवी इज अ बॉम्ब को हमने ट्रेनिंग में लेबल दिया होगा नेगेटिव का, तो वो जहाँ पे भी उसको बॉम्ब मिलेगा वो उसको नेगेटिव कर रहा होगा। ये इधर आप ये देखें, नहीं इस क्वेश्चन को आपने, दा बम और आ बम में फर्क है, ठीक है, आप किसी चीज को कह दें बहुत ही फैंटास्टिक है, बम है, ठीक है, तो वो ये बता रहा है कि एक पॉजिटिव है इसके अंदर, एक नेगेटिव है, तो आपने कैसे मतलब ये देखना कि इस सिमेंटिक को अलग करना है कि ये वाला पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, कि दा बम है या आ बम, ना 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 ना, यही है ना कि आप किस चीज को कहते हैं कि जी इट्स समथिंग, यानी कि ये उसने एक को उस तरह से यूज किया जिसे हम मेटाफर कहते हैं, ठीक है, मेटाफोरिकली, कि बहुत ही फैंटास्टिक है, ठीक है, मेटाफोरिकली आप यूज कर रहे हैं। मैं इसमें एक चीज अर्ज करूं कि जब अभी जब रिकरेंट लेयर के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे ना, ठीक है, अभी हमने यहाँ पर तो इस्तेमाल कर लिया ना, उसने कहा अभी भी ये गलत कर रहा है, इससे मॉडल की अभी जो हमने एम्बेडिंग की है इससे डेंस लेयर की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं आया, इससे हम ये नहीं कह सकते कि डेंस लेयर जो है ना अच्छी परफॉर्म करने लगी, ठीक है। जितने एम्बेडिंग का जितना भी काम है ना, उसका काम सिर्फ कितना है कि उसने वेक्टराइजेशन हमें करके दे दी। सर नहीं, एक्चुअली वो लारैब ने एक्चुअली मेरे क्वेश्चन को मोल्ड कर दिया, सिर्फ इस पर्टिकुलर, मेरा पॉइंट ये नहीं था। मेरा पॉइंट ये था कि सीमेंट जब एक चीज, एक ही जो वर्ड है डिफरेंट, जब रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाके डिफरेंट सीमेंटिक्स क्रिएट करता है, डिफरेंट जो है ना चीजें क्रिएट करता है। जैसे अभी हमने यही देखा कि वही फोर सेट ऑफ एनिमल्स था, जब हमारा पर्सपेक्टिव ये था, हमने पेट टू जो है वाइल्ड जाना था, तो हमने देखा सेट ऑफ वर्ड्स चेंज हो गए, ठीक है, वो जो है ना जैसे कैट से वो उधर चला गया, वुल्फ चला गया, और ये डॉग से वो कैट से वो टाइगर चला गया और वुल्फ। इस तरह जब हमने कैनाइन टू फेलाइन जाना चाहा, तो फिर हमने देखा कि हाँ जी कैट से फिर किस तरफ जा रहा है, डॉग जा रहा है, ठीक है, उस तरह से जा रहा है, यानी कि वो सिमेंटिक्स चेंज है। सिमेंटिक सेम वर्ड को किस तरह से मतलब वो अलग है, जब जब वर्ड्स को हम एक ही फैमिली के अंदर डाल रहे हैं तो वो उस पर देख रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप है उनका, आपस में कनेक्शन कैसे, किस तरह से। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब हम एक ही वर्ड जो है वो डिफरेंट कनेक्शंस जब कर रहा होता है, तो वो कैसे मॉडल जान लेगा, यानी कि मैं एज अ प्रोग्रामर, मैं प्रोग्रामर हूंगा, खुद से मेरे हाथ में होगा, तो मैं तो ये कह दूंगा कि हाँ यार जब ये वाला आ जाए ना कि
कैट और ये हो टाइगर, तो इनको सेपरेट कर दो। इसलिए जब मैं अपने एक पर्टिकुलर मेरा पर्सपेक्टिव मेरे माइंड में क्लियर है, लेकिन जब मल्टीपल सिमेंटिक्स है तो हम कैसे वो अपना सिमेंटिक उसके अंदर जो है ना इनकल्केट करेंगे, उसके अंदर डालेंगे मॉडल के अंदर। मैं इस पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ। प्रोग्रामिंग कर लेंगे भैया, नहीं सीधी सी बात है कि जब आपने पहले आपने लेबल दिए कि ये वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स हैं, ये नहीं 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 ये इन्हीं का इन्हों वही हमें बता रहे हैं कि डिफरेंट सिमेंटिक्स होते हैं, तो वो इस डिफरेंट सिमेंटिक्स को कैसे जो है ना डील कर रहे हैं। नहीं नहीं वो आप डील जो है ना वो सर मैं अभी होल्ड करता हूँ, मैं इस पे हम एक्शन करते हैं, हो सकता है कि लेटर ऑन आके कुछ इसके हम चले चले भी आगे चले। ठीक है ठीक है ठीक है, आजा। अब ये तो अभी हमने इस वाली एग्जांपल के अंदर जो हमने देखा है, हमने एक एम्बेडिंग लेयर जो है वो इम्प्लीमेंट कर दी है बीच में, जो हमारे हमारा टाइप ऑफ डेटा, जो भी टाइप का डेटा आएगा हमारे मॉडल के साथ ये जो है ना ट्रेनिंग हो जाएगी। दूसरी चीज मैंने कही थी कि दूसरा तरीका ये है कि हम अपनी प्री ट्रेंड वर्ड एम्बेडिंग जो है वो उसको इस्तेमाल करें। ठीक है, जिस तरह प्री ट्रेंड नेटवर्क हमने इस्तेमाल किए, प्री ट्रेंड वर्ड एम्बेडिंग जो है वो इस्तेमाल कर लें। अच्छा, आप लोगों ने करना क्या है, ये एक जो है वो लिंक दिया हुआ है, इस पे क्लिक करना है, बल्कि इसको कॉपी करके ले जाना है। ये लिंक जो है ना काम नहीं कर रहा था, अगर ये काम नहीं कर रहा है तो फिर हम कैगल से एम्बेडिंग जो है वो डाउनलोड कर लेंगे। सबने जो है ये glove6b.zip की जो फाइल है, ये तकरीबन 822 MB की है, ठीक है, इसको डाउनलोड करना है। ये अभी भी वही काम कर रहा है, आगे नहीं जा रहा है। कैगल से उठा लेंगे सर, कोई मसला। हाँ, कैगल पे भी जाके आप लिखेंगे ना glove6b embedding word embedding, तो वो आपको लिंक मिल जाएगा वहां से। मैंने भी कैगल से ही डाउनलोड करके अपने पास जो है वो embedding को रखा है। तो ये आप लोग एक तो करके रहेंगे, इसमें टाइम लगेगा ड्यूरिंग क्लास जो है ना, फिर लंबा टाइम ले लेगा। तो बहुत सारा की वर्ड टू वैक्टर एल्गोरिदम्स, ये वर्ड टू वैक्टर की एक embedding है, ये अवेलेबल है, इस्तेमाल होती है। ठीक है, अनदर पॉपुलर ग्लोबल वेक्टर्स की ये ग्लव के नाम से, यानी ग्लोबल वेक्टर्स, ये इनकी वर्ड एम्बेडिंग है जो इन्होंने की हुई है, तो वो कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल करते हैं, स्टार्ट फ्रॉम द रॉ टेक्स्ट और एंड सो ऑन लेके चलते हैं। अच्छा, रॉ टेक्स्ट की जब हम बात कर रहे हैं तो रॉ टेक्स्ट का मतलब फिर वही है कि यहाँ पर हमें अब ये पार्स हुआ हुआ और सारा नहीं मिलेगा, हमें पूरे टेक्स्ट फाइल्स ही मिलेंगी। ठीक है, ये डेटा सेट है IMDB का, ये हमें डाउनलोड करना है। ये मैं उठाता हूँ अपने पास, यहाँ से डाउनलोड करता हूँ, आप लोग भी इसको उठा लें तो अच्छी है। ये मेरे पास डाउनलोड मेरे पास तो हुआ हुआ है ना, ये ठीक हो गया। अब जब इसको डाउनलोड कर लेंगे हम, तो हमारे पास जो फाइल्स होंगी वो देखें ये होंगी टेस्ट और ट्रेन, अनजिप करने के बाद ट्रेन के अंदर, फिर ट्रेन के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये अब हर एक टेक्स्ट फाइल है, एंड 0, 1, 2, 3 से ऑनवर्ड ये तकरीबन 12,500 फाइल्स जो हैं, वही सारे रिव्यूज हैं जो टेक्स्ट फॉर्म में, खोल लें उसके अंदर रिव्यू जो है वो टेक्स्ट फाइल के अंदर लिखा हुआ होगा। दिस मूवी स्केयर्ड द, ये एक लाइन में लिखा हुआ है जरा थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरे पूरे रिव्यूज की टेक्स्ट फाइल जो है हमें यहाँ पर मिल गई। अब ये हमें टेक्स्ट को रीड करा के ले जाना है अपने नोटबुक के अंदर, और फिर इसको जो है ना वो प्रोसेस करना है, सारी चीजें करनी है। लेबल्स जो है ना वो अलग करने, लेबल्स बनाने हमने खुद अपने अपने सिस्टम के लिए, क्योंकि हमारे पास तो अभी फोल्डर बने हुए,
पॉजिटिव नेगेटिव के, जिससे हमें पता चल रहा है ये पॉजिटिव रिव्यूज हैं और ये नेगेटिव रिव्यूज हैं। तो हम ये कोड है, इसको हमने समझना है। IMDb डायरेक्टरी जहां आपकी वो फाइल पड़ी हुई है अनजिप होकर, ठीक है, उसके अंदर ट्रेन का फोल्डर जो है, उसके अंदर ट्रेन का फोल्डर जो है वो बना हुआ है। आप उस फोल्डर का भी पाथ पूरा उठा लें, ट्रेन डायरेक्टरी बता दें, या आप इस तरह कर लें, कोई मसला नहीं है। जैसे मेरे पास ये है, एक तो मैंने अपनी इस डायरेक्टरी का पाथ बता दिया कि ये मेरी IMDb डायरेक्टरी है, मैंने इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर प्लेस करूंगा, ओके हो जाएगा। फिर उसके अंदर मेरे ट्रेन का फोल्डर है, तो जो पाथ यहाँ पर आया है उसके आगे ट्रेन ज्वाइन कर दें, यूं कर लें, या फिर आप ट्रेन के फोल्डर में चले जाएं और इस पाथ को कॉपी कर लें और एज इट इज जो है ना वो यहाँ पर ट्रेन डायरेक्टरी में पाथ, जैसे ऊपर वाला पाथ है वैसे ये पाथ यहाँ पर पुट कर दें। डेटा लेबल्स हमारे सारे यहाँ पर आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, और सारा 12,500 जो रिव्यूज हैं वो हमने लिस्ट के अंदर यहाँ लेकर आने, ठीक है। क्या काम किया उसके लिए, अब हम बता रहे हैं लॉजिक कुछ और भी हो सकती है लेकिन इन्होंने इस्तेमाल की है, बेहतर है समझ में आने वाली, कि जो ट्रेन डायरेक्टरी के अंदर जाओ, ठीक है, और अगर नेगेटिव के फोल्डर से उठा रहे हो तो उन सब के लेबल्स जो है वो नेगेटिव लगा देना। अगर जिस डायरेक्टरी से उठा रहे हो उस डायरेक्टरी का नाम POS है, यानी पॉजिटिव है, क्योंकि इसी नाम से हमारे पास फोल्डर है NEG और POS, अगर नेगेटिव के नाम से डेटा आता जा रहा है तो उस सबके नेगेटिव लेबल्स असाइन करते जाओ, अगर पॉजिटिव के फोल्डर से डेटा आता जा रहा है तो उन सबके पॉजिटिव फोल्डर जो है ना लेबल्स असाइन करते जाओ। कैसे किया, लूप लगाया, पहली दफा में जा रहे नेगेटिव, लेबल टाइप नेगेटिव, डायरेक्टरी का नाम os.path जो ज्वाइन ट्रेन डायरेक्टरी, जरूरी नहीं कि यूं लिखें, ठीक है, पूरा पाथ उठा के वहां से नेगेटिव का फोल्डर बना हुआ है, आप नेगेटिव का फोल्डर जो है ना यूं करके कॉपी कर लें, पाथ पूरा ला के रख दें, पाथ ही बना रहे ना वो भी ज्वाइन करके। अब क्या किया, भी os.list डायरेक्टरी, डायरेक्टरी नेम जो हमारे नेगेटिव की डायरेक्टरी बनेगी ये वाली, इस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं उन सबको एक्सेस करो, लूप लगाओ और एक एक फाइल उठाते जाओ। अगर उस फाइल के लास्ट 4 कैरेक्टर्स .txt हैं तब, वैसे तो सारी वहां टेक्स्ट फाइल पड़ी है लेकिन हो सकता है कि आपका डाटा एक ऐसी फाइल में पड़ा हो जहां और भी फाइल्स पड़ी हो, तो ये कंडीशन इंप्लीमेंट होती है, एक इजाफी कंडीशन लगी हुई है, अगर आप हटाना चाहें तो हटा दें, क्योंकि हमारे फोल्डर के अंदर जो है ना सिर्फ टेक्स्ट फाइल्स मौजूद हैं, कोई और फाइल मौजूद नहीं है, तो वो सिर्फ लास्ट के 4 कैरेक्टर देखेगा .txt और उनको उठा लेगा। अगर वो फाइल नेम के अंदर .txt लिखा हुआ है तो क्या करना है जी, उस फाइल को, वो जो भी फाइल है डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम के साथ कंबाइन करके, उस डायरेक्टरी नेम के आगे यानी नेगेटिव के आगे अब फाइल नेम भी आपने दे दिया, फाइल को ओपन करें, ओपन करके आप उसको रीड करें, जो भी टेक्स्ट आ रहा है उसको अपेंड कर दें, कहां ले जाके अपनी टेक्स्ट के अंदर, ठीक है, और फिर उसको क्लोज कर दें। अगर लेबल टाइप, क्योंकि लेबल टाइप क्या है, लेबल टाइप यहां से नेगेटिव उठाया था, नेगेटिव किया था इसके अंदर, अगर लेबल टाइप नेगेटिव है तो लेबल्स की लिस्ट में जाके 0 असाइन कर दें। अब इस सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि इस लिस्ट डायरेक्टरी में हमने देख लिया हमारे पास 12,500 फाइल्स हैं और इस 12,500 सब एक ही डायरेक्टरी से उठ रही हैं नेगेटिव से, इसलिए 12,500 नेगेटिव लेबल्स जो हैं वो और 12,500 नेगेटिव फाइल्स यहाँ पर आ गई। जब ये फाइल्स यहाँ से खत्म होंगी ये लूप टूटेगा, ये दोबारा ऊपर जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा,
यहाँ लेबल टाइप पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ लेबल टाइप पॉजिटिव हो जाएगा और डायरेक्टरी नेम पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव वाले फोल्डर में जाएगा और यही सारा काम करेगा। चूंकि अब लेबल टाइप नेगेटिव नहीं होगी लिहाजा ये लाइन नहीं चलेगी, एल्स चलेगा और हर पॉजिटिव वाले को वन जो है वो असाइन होना शुरू हो जाएगा। तो लेबल्स के अंदर 25,000 लेबल्स होंगे, आधे शुरू के नेगेटिव और आधे आखिर के पॉजिटिव। सर ये कैटेगराइजेशन कैसे हुई थी कि पॉजिटिव वो यानी कि रीड करने के बाद उन्होंने सेपरेट किए हुए हैं ये डाटा पॉजिटिव नेगेटिव? हाँ उन्होंने मैनुअल किए होंगे, डाटा मैनुअल लेबल किया होगा। ये मेरा क्वेश्चन था सर कि एक्चुअली सिमेंटिक कब उन्होंने पॉजिटिव एंड नेगेटिव का क्रिएट किया है और उसके बाद उसको कैसे ये करें, तो यानी कि ये मैनुअल है तो मैं समझ गया इसका भी कोई टेक्निकल वे होगा। नहीं, ये तो करना पड़ेगा, ये मैनुअल जब सिमेंटिक एनालिटिक्स आप करते हो ना तो व्हेन यू विल सी एनी कमेंट यू हैव टू जज फर्स्ट कि मतलब उसको क्या करना है, कि उसमें नेगेटिव है, फिर उसके बाद जब वो प्रेडिक्शन के अंदर जो न्यू रिजल्ट्स आते हैं या न्यू एंट्रीज आती हैं तो वो फिर आपके मॉडल के बेस के ऊपर नेगेटिव और पॉजिटिव बाइफिकेट होती हैं। लेकिन एट द इनिशियल स्टेज जब आपको लेबलिंग करनी है तब तो आपको करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आप कैट की तस्वीर को जैसे कैट करके मैनुअल करके बताते हो या डॉग की तस्वीर को डॉग मैनुअल करके बताते हो तो वो तो करना ही पड़ेगा, उसके अगर कोई चारा नहीं। ये सुपरवाइज लर्निंग में होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग अगर हम करवा रहे हो तो फिर तो उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। एग्जैक्टली मैं सुपरवाइज लर्निंग पड़ेगी लेकिन इसमें अनसुपरवाइज में प्रॉब्लम हो जाएगा ना, जैसे क्रैप वाला सर ने एक फाइल ओपन की थी कि यानी कि दैट मूवी जो है ना बीट क्रैप आउट ऑफ मी। अब क्रैप सिंपल क्रैप आएगा तो मतलब ये फारग मूवी है, क्रैप आउट ऑफ मी स्केरी मूवी है, ठीक है। अल्टीमेटली जिस तरह वो कौन थे भाई उन्होंने कहा कि नहीं आपको ये करना पड़ेगा, यानी कि मैं यही जानना चाह रहा था कि मैनुअल ही कर सिमेंटिक्स हमें मैनुअली ही एड करना पड़ेंगे। अच्छा ये हमारी पार्सिंग हुई डेटा की और लेबल की, अब हमने अपने डेटा को जो है वो टोकनाइज करना है सारे डेटा को, उसके लिए भाई हमने टोकनाइजर इस्तेमाल किया हुआ है, पैड सीक्वेंस भी किया हुआ है, फिट किया टेक्स्ट सीक्वेंस में कन्वर्ट किया, ट्रेनिंग सैंपल्स हमने सिर्फ कितने लिए 2000, हमारे पास कितना डेटा मौजूद है 25,000 का, उसमें से सिर्फ 200 ट्रेनिंग सैंपल्स लिए हैं और रिव्यू की लेंथ भी लिमिट कर दी है 100 वर्ड्स के ऊपर, ये बाद में बढ़ा के चेक कर लेंगे, अभी एक बार एग्जांपल को रन करिएगा, जब आप आपकी एक्यूरेसी लेवल कम आ रहा होगा फिर आप यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज करिएगा, नंबर ऑफ सैंपल्स को बढ़ा लीजिएगा 200 से 2000 कर लीजिएगा, मैक्सिमम लेंथ को भी थोड़ा बढ़ा के चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या इफेक्ट कितने जो है ना वो इंक्रीज हो रही है। अच्छा जी यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ नहीं सिर्फ दिखा रहे हैं कि टोकन इंडेक्स ये है, इतने टोकन फाउंड हुए हैं, पैड कर दिया सीक्वेंस को, हर सीक्वेंस जो है मैक्सिमम लेंथ तक पैडिंग कर दी, तो हमारा ये डाटा जो है वो रेडी हो गया है। लेबल्स को नंपाई एरे में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। एनपी डॉट रेंज से डाटा डॉट शेप जितने हमारा रॉज हैं उतने इंडेक्सेस क्रिएट किए और उनको हमने शफल कर दिए, शफल करने के बाद वो शफल इंडेक्सेस जो है वो डेटा को पास किए ताकि हमारा डेटा भी जो है वो शफल हो जाए उसी तरह से, और वही इंडेक्सेस जो है लेबल को पास किए ताकि हमारा लेबल भी उस हिसाब से शफल हो जाए, पॉजिटिव नेगेटिव सारे रिव्यूज जो है मिक्सअप हो जाए। 200 ही लिए अभी हमने, तो ट्रेनिंग डेटा निकाला भी, ट्रेनिंग सैंपल्स डेटा के लिए, लेबल्स के लिए 200 ट्रेनिंग सैंपल लिए हमने, यहाँ पर 200 पास किया था, तो 0 से 200 ट्रेनिंग सैंपल्स, 0 से 200 जो है ना वो ट्रेनिंग लेबल्स, फिर वैलिडेशन सैंपल्स ट्रेनिंग से आगे से लिए 200 से ऑनवर्ड्स, और ट्रेनिंग सैंपल्स प्लस वैलिडेशन सैंपल्स, इस तरह उसके लेबल्स भी जो है वो आगे हमने यूज कर लिए। ये सिंपल कोड है, सबको समझ में आ रहा होगा, अगर थोड़ा बहुत ना आए तो बाद में गौर करिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। अब वही काम कर रहे हैं, डाउनलोड ग्लव एम्बेडिंग, एम्बेडिंग जो है वो डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड होने के बाद अब एम्बेडिंग को भी हमने थोड़ा सा पार्स करना है, एम्बेडिंग डायरेक्टरी, एम्बेडिंग इंडेक्सेस निकालने, फाइल्स को ओपन कराया हमने, ग्लव डायरेक्टरी, एक एक लाइन जो है वो रीड करी, लाइन इन एफ, लाइन को स्प्लिट करते गए, वैल्यू 0
वर्ड में डाल देगा, उसके कोफिशिएंट निकाल देगा, एम्बेडिंग सर वाकई बहुत ज्यादा हो गया, फिर भूल जाएगा और समझ भी नहीं आएगी। यस सर। चले अच्छा एक काम कर लीजिएगा फिर, ये एम्बेडिंग वगैरह ये सब डाउनलोड कर लीजिएगा, डाटा डाउनलोड होना चाहिए, एम्बेडिंग डाटा हम डाउनलोड कर लेंगे, डाटा और एम्बेडिंग दोनों कैगल से कर लीजिएगा। अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है ग्रुप में बता देना, फिर जो मैंने डाउनलोड किए मैं ड्राइव पे डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लेना अगर कैगल से मसला हो डाउनलोड करने का। ठीक है सर। मेरा वो जो पीछे मैंने किया था ना, वो क्या कहते हैं उसको, समझ में नहीं आ रहा मुझे, मेरी एक्यूरेसी 90 से अबव नहीं गई सर। किस कौन से फाइन ट्यूनिंग में? फाइन ट्यूनिंग में सर, मुझे पिछले चैप्टर में लास्ट में था। अच्छा इतनी भी बहुत है सर, इतने में दो लड़के पास हो जाते हैं। नहीं फाइन ट्यूनिंग में सॉरी 94 तक चली गई थी, 94 तक चली गई थी, 90 पिछले में 90 थी बस। तो क्या चाहिए अब सर, 97 थी ना इसमें, ट्राई करें कुछ और चेंजेस करके देखें, यही तो असल में इसी से तो डिपेंड करता है, उसका प्रोसेसर भी बेहतर है, ये हमारा प्रोसेसर भी कहीं रुक जाते हैं तो ये कई मल्टीपल रीजंस होते हैं, एग्जैक्ट 1-2% ऊपर नीचे हो जाता है। हां लेकिन 94 तक भी अगर आ गई आपने लोकल सिस्टम के ऊपर तो बहुत अच्छी है। ओके सर लेट मी कमेंट नाउ। सजाद भाई इनका जो मैं क्वेश्चन उस तक आंसर कर रही थी कि अगर हम 10 टेस्ट है तो बॉम्ब को पॉजिटिव कर दें, वही लेबल वाली कहानी एट द एंड निकली ना, प्रोग्रामर जो होता है वो उसको देना पड़ता है तो अल्टीमेटली वही वे हुआ, पूछने वाली बात ही नहीं थी। नहीं पूछ रहे थे, नहीं 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 ये बड़ी रेलेवेंट चीज है, देखें 25,000 जब आपके पास फाइल आ जाएगी तो प्रोग्रामर आप पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, आपने तो देखना है उसका कोई स्मार्ट वे ढूंढना है। जो भी आपके ज़हन में बात आती है ना, जो भी आपके ज़हन में बात आती है वो सब हर पूछने वाली होती है, आप जो मर्जी पूछें कोई मसला नहीं होता। हम एक ही में किसी की तो ना मारने के लिए आए हम, थैंक यू, वो सेंसिबल स्टार नहीं कोई भाई, लड़ने की बात नहीं है, हर हर एक जो है ना सवाल जो है ना वो ये तो पहला क्वेश्चन है जो कि जब भी जब आपने उसके बाद में से समझ ही नहीं आ रही थी जो आप हार रहे हैं, जब से ये इतना इन्होंने बात की उसके बाद फोकस नहीं हो सके हम। नहीं ये फीड करेंगे क्योंकि उसको तो नहीं पता कि ये तो कॉमन सेंस की बात थी ना, ये तो बंदे को समझ आ जाती है कि वाइल्ड में आप वाइल्ड डालेंगे, पेट में पेट डालेंगे और खुद ही आप कंडीशन देंगे, नहीं कैसे तो उन्होंने कैसे किया था कि ये कैसे करते होंगे प्रोग्रामिंग के लिहाज से करते तो हैं फिर मिस कर गए। अब उन्होंने उनका सवाल यही था, वैलिड सवाल था कि ये कैसे करते होंगे, क्यूरियोसिटी होती है ना कि भाई इतने साल इतने बड़े बड़े डाटा को जो है ना वो कैसे ये सेमेंटिकली जो है ना वो क्लासिफाई करते होंगे, सारी चीजें करते होंगे, वो सवाल वैलिड था, बस समझ में देर से आया, कोई बात नहीं हो जाता है। और सवाल सबको पूछने की आजादी, सब पूछे भाई, जितने भी लोग जो है ना वो सुन रहे होते हैं, ये सिर्फ 4-5 लोग ही सवाल कर रहे होते हैं, सब लोग किया करें, कोई मसला नहीं है। जी सर एक्चुअली मेरे पास आपका व्हाट्सएप ग्रुप का कांटेक्ट नहीं है, कैन यू शेयर प्लीज? भाई कोई चैट में जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेजे प्लीज। सर आप दे दें चैट में, बहुत मुश्किल से मिलता अच्छा, है मैं, आप प्लीज शेयर कर दें। मैं देता हूँ, अब मुझे व्हाट्सएप यहाँ निकालना पड़ेगा सर, जो आपका पर्सनल ग्रुप हो, क्योंकि सर अपडेट नहीं मिलती, जो आपका रिवीजन क्लास था उसकी अपडेट हमें जब मिली है जब आपका रिवीजन शुरू हो चुका था सर, हम पता नहीं क्या कहीं बिजी हैं कुछ हैं, मतलब कम से कम 1-2 घंटे पहले तो हमें मिले ना कि आपका रिवीजन सेशन स्टार्ट हो रहा है। मैं भी व्हाट्सएप लिंक जो है ना यहाँ से लेके आपको दे देता हूँ, यहाँ चैट में आप ग्रुप ज्वाइन कर लें। डेटा तो भाई एक लिंक दिया हुआ है बुक के अंदर ही, वहां से डेटा डाउनलोड हो जाएगा, एक लिंक तो ये वाला दिया हुआ है ना, एक लिंक तो ये वाला है, IMDB वाला तो हो जाता है। हाँ ये एम्बेडिंग तो अभी नहीं आ रही है, एम्बेडिंग आपको कैगल से करनी पड़ेगी, ये वाला जो लिंक है ये जो है यहाँ से डेटा डाउनलोड हो जाएगा सर। कैगल से करना है वो कौन सा करना है, ये तो डाउनलोड हो जाएगा, कैगल से कौन सा करना है, कैगल से
वर्ड एम्बेडिंग डाउनलोड करनी है, ग्लव एम्बेडिंग, ग्लव 6 डीबी, जो 6 ग्लव, हां तो वो कहां है भाई लिंक? सर अभी कोई ड्राइव है ये रिकॉर्डिंग्स की? यार पहले मैं रख रहा था बड़े मैनेज तरीके से, लेकिन अब जो है ना वो मेरे पास इतना टाइम ही नहीं मिल रहा वीक डेज में। मैंने लिंक कॉपी कर लिया, अब मैं आ जाऊं चैट में टू एवरीवन इन द मीटिंग। ये मैंने लिंक जो है चैट में डाल दिया, ठीक है जी। तो सर आपके रिकॉर्डिंग के लिए वीडियोस कहां से मिल सकती हैं, मतलब कि जो यार इतने सारे लोग यूट्यूब का लिंक ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं मिल रही रिकॉर्डिंग? नहीं आपकी रिव्यू क्लास की, रिव्यू क्लास की वो रिव्यू वाली, रिव्यू वाला लिंक भी किसी ने शेयर किया था यूट्यूब पे रिव्यू क्लास का, मैं रीशेयर कर दूंगा सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है जी, ठीक है जी, फिर एंड करते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, कोड जितने भी हैं सारा उनको चलाइएगा, जरा कैगल कैगल पे भी, हाँ कैगल पे भी जाके जो है ना कुछ दूसरे जो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के कोडिंग वगैरह हो उनको भी जरा रिव्यू करें, क्या लॉजिक लगाइए। जी बोले सर, एम्बेडिंग 6 नहीं हो रही, डाउनलोड नहीं हो रही। हाँ वो आपको कैगल से करनी पड़ेगी। ओके सर, दोबारा बोलना है, सॉरी। आपकी आवाज कम आ रही है यार, चैट में लिख दो। एक्चुअली मैं शेयर नहीं कर सकता। आदिल भाई ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैं शेयर कर दूंगा डाउनलोड। चलें ठीक है, गुड हो गया, गुड हो गया। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाक अल्लाह सर, जज़ाक अल्लाह, शुक्रिया सर, आप भी अपना ध्यान रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़ सर, हाफिज़।